Hello, 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 Hanji. Good evening, everyone. Good evening, good evening. क्या मैं लाइव हो चुका हूँ? यहाँ तो शो कर रहा है लेकिन मुझे चैट्स नहीं दिख रही. हाँ, अब दिख रही है, अब दिख रही है. गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, जैसा भी आपका वहाँ पे मौसम है. ठीक है. हाँ जी, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सबसे पहले मुझे ऑडियो वीडियो बता दीजिए कि क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है. यस सर, ऑल परफेक्ट, ऑल राइट. गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीबडी, वेरी वेरी गुड इवनिंग. छेती छेती आ जाओ. यस सर, छेती छेती आ जाओ. आज शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर जिसका नाम है फाइनल अकाउंट्स. सर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. यस सर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर आज हम शुरू करेंगे. सर दैट इज फाइनल अकाउंट्स. शुरू क्या करेंगे बेटा, ख़त्म ही कर देंगे. ठीक है सर, शुरू क्या, अभी शुरू करेंगे, अभी ख़त्म कर देंगे. आपको पता होगा फाइनल अकाउंट्स की दो डिवीजन है. आपके फाइनल अकाउंट्स में दो यूनिट्स हैं. हाँ जी, एक आपकी आती है मैन्युफैक्चरिंग वाली, हाँ, एक आती है नॉन मैन्युफैक्चरिंग वाली. अरे बोलो हाँ या ना. एक आती है मैन्युफैक्चरिंग और एक नॉन मैन्युफैक्चरिंग. यस सर, यस. क्या ये दोनों करनी है? अरे बिल्कुल, अरे 100% करनी है. एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली. मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग दोनों ही करनी है. आज हम क्या करने वाले हैं सर? पहले हमको नॉन मैन्युफैक्चरिंग समझना पड़ेगा, तब जाके मैन्युफैक्चरिंग करेंगे. यस सर. तो आज की क्लास का टारगेट नॉन मैन्युफैक्चरिंग है. आपने आरटीपीस में देखा होगा या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखा होगा, मोस्टली मैं बोलूंगा, हमेशा नहीं, मोस्टली जो क्वेश्चंस आता है, जो क्वेश्चन आता है वो नॉन मैन्युफैक्चरिंग का आता है. लेकिन सर ऐसा कई बार हो चुका है, अगर क्वेश्चन 15 से 20 मार्क्स का आता है, कितने का, 15 to 20 मार्क्स का, राइट, उसमें आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होता है. अगर नॉर्मली नॉन मैन्युफैक्चरिंग से आता है तो फिर सर आपके 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग होता है. हाँ बेटा, कल की क्लास नहीं हुई थी, ठीक है, कल मैं थोड़ा थका हुआ था, कल मैंने रेस्ट किया. राइट, करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और करेंगे. यस सर. तो नॉन मैन्युफैक्चरिंग अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. और सर देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, अपने नोट्स में लिखा हुआ है क्या, वेरी 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 आसान चैप्टर. आज की क्लास में खत्म कर देंगे. हाँ जी, आज की ही क्लास में खत्म कर देंगे. इसको थोड़ा सा जूम करते हैं. क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे, आपके बुक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी प्रैक्टिस करेंगे, और जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं वो सारी हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं. एवरीबॉडी रेडी? यस सर. तो चैप्टर क्या है? चैप्टर वेरी 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 आसान, बहुत ही आसान. हाँ जी बिल्कुल. आज फटाफट से शुरू करते हैं. अब आपको क्या करना है, बस आराम से बैठना है, मुझे देखना है और मुझे सुनना है, और आपको कुछ नहीं करना है. अच्छा सुनो सुनो सुनो, मैं भूल जाता हूँ बेटा, बाद में जितने बच्चे लाइव बैठे हैं, क्लास अटेंड करने वाले हैं, पहले वीडियो को लाइक करो, अभी करो, अभी अभी करो. मैं भूल जाता हूँ, मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं रहता, और फिर मैं देखता हूँ इतने सारे बच्चे आए थे, लाइक ही नहीं किया किसी ने. पहले लाइक करो फिर मैं शुरू करूँगा, ठीक है. मैं बोलता नहीं हूँ, भूल जाते. मैं आज सोच के आया था बेटा कि आज मैं भूलूंगा नहीं, आज मैं क्लास के शुरुआत में बोल दूंगा कि पहले लाइक करो. हाँ, अब बहुत सारे बच्चों ने कर दिया. ऑल राइट, एवरीबडी शैल बी स्टार्ट. यस सर, यस. आ जाओ, देखो ध्यान से मेरी बात सुनेंगे. चलो चलो फटाफट से आ जाओ एवरीवन. हाँ जी, पहले ही कर दिया था, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. अब देखो सर, हमने पढ़ा अकाउंटिंग प्रोसेस. यस सर, अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले आप रिकॉर्डिंग करते हो. सर वो रिकॉर्डिंग कहाँ पे होती है? वो रिकॉर्डिंग या तो आप जर्नल में करते हो या वो सब्सिडरी बुक में करते हो. उसके बाद आपकी उसकी पोस्टिंग करते हो. सर कहाँ करते हैं? लेजर में करते हैं. लेजर में आप सारे के सारे जितने भी आपके अकाउंट्स होते हैं, सारे के सारे आप क्या करते हो सर, उनके अकाउंट्स प्रिपेयर करते हो. सारे मतलब जितने भी अकाउंट्स हैं. हाँ जी, जितने भी आपके अकाउंट्स हैं, बेशक वो एक्सपेंस का अकाउंट हो, लायबिलिटी का अकाउंट हो, एसेट का हो, रेवेन्यू का हो, लॉसेस का हो, कैपिटल का हो, किसी का भी हो, सबके अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं. हाँ जी, उसके बाद जो भी आपके लेजर के क्लोजिंग बैलेंसेज आते हैं, वो क्लोजिंग बैलेंस आप एक जगह लिख देते हो, एक स्टेटमेंट में लिखते हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम ट्रायल बैलेंस बोलते हैं. क्या करते हैं सर? जिसको ट्रायल बैलेंस बोलते हैं. हाँ जी बिल्कुल. अब ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, आपके सारे नेचर ऑफ अकाउंट्स के बैलेंसेस आ जाते हैं कि इसका बैलेंस इतना है, इसका बैलेंस इतना है, इसका बैलेंस इतना है. मतलब सारे मतलब जो भी आपके पांच नेचर ऑफ अकाउंट्स होते हैं, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, कैपिटल, लायबिलिटी, एसेट्स, सबके बैलेंसेस आपने कहां लिख दिए? ट्रायल बैलेंस में लिख दिए. अब उसके बाद एक जगह सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं और फिर अलग अलग हो जाते हैं. यही तो होता है सर, सारे एक जगह इकट्ठे हो गए. हाँ जी, इकट्ठे हो गए. अब क्या होगा, अब दो रास्ते निकलते हैं. एक रास्ता जाता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, और एक रास्ता बैलेंस शीट को जाता है. सर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के रास्ते में कौन जाता है? आपके दो नेचर ऑफ अकाउंट्स, विच इज नॉमिनल अकाउंट्स.
एक्सपेंसेस और रेवेन्यू अकाउंट, एब्सोल्युटली यस, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू में सब कुछ आता है। अगर मैं एक्सपेंस की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपके लॉसेस वगैरह भी आ जाते हैं, और रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ तो आपकी सारी इनकम्स भी आ जाती हैं, बिल्कुल आ जाती हैं। ये सब नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। ये सब जा क्या होता है सर, ये सारे के सारे अकाउंट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लोज हो जाते हैं। आपको पता है सारे नॉमिनल अकाउंट, जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, वो सब टेम्पररी अकाउंट होते हैं। मतलब आप एक बार उनको रिकॉर्ड करते हो और रिकॉर्ड करने के बाद उनको ट्रांसफर कर देते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो उनका अकाउंट खत्म कर देता है। सर अगर हम बात करते हैं कैपिटल लायबिलिटी और एसेट्स की, या फिर मैं अगर ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग बोलता हूँ रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट की, ये कहाँ जाते हैं सर, ये सारे के सारे जाते हैं बैलेंस शीट में। ऑलराइट, अब हम बात करने वाले किसकी, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट की। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सर आपको क्या बताता है, आपके बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, आपने ड्यूरिंग द ईयर किस कैसा परफॉर्म किया है, मतलब कितना प्रॉफिट अर्न किया या कितना आपने लॉस इंकर किया। करेक्ट सर, अगर हम बैलेंस शीट की बात करते हैं तो वो आपको पोजीशन बताता है, आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, आपके पास अपने एसेट्स कितने हैं, उन एसेट्स में से आपने लोन कितना पे करना है या ओनर को कितना पे करना है, दैट इज योर बैलेंस शीट, मतलब फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। अब उसके बाद आता है सर बिजनेस। अगर हमें बिजनेस की अकाउंटिंग करनी है तो मैंने डिस्कस किया कि दो टाइप के बिजनेस होते हैं, एब्सोल्युटली यस, एक मैन्युफैक्चरिंग एंड नॉन मैन्युफैक्चरिंग। सर मैन्युफैक्चरिंग का मतलब जो मेहनत करता है, ठीक है, जो खुद का कुछ तो करता है। हाँ जी बिल्कुल, आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, उसने खुद की मेहनत करी है, उसको कन्वर्ट किया है, आप दूध लेकर आए हो, आपने आइसक्रीम बनाई है, बिल्कुल सही सर, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। जब आप क्या करते हो, अपने गुड्स को ट्रांसफॉर्म करते हो फिनिश गुड्स में, ऑल राइट। लेकिन नॉन मैन्युफैक्चरिंग आलसी इंसान होता है, वो क्या करता है सर, वो बेसिकली आता है कहीं से सामान को खरीद के लाता है और बस आगे बेच देता है, और वो कुछ नहीं करता, बस क्या करता है सर, पैसे कमाता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, जब भी आपको क्या करना है, फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं, तो कुछ चीजों का आपको हमेशा ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करता हूं, ऑलरेडी हमने एक सेपरेट चैप्टर में इसको डिटेल में डिस्कस किया है। क्या डिस्कस किया हमने, हमने डिस्कस किया कि एक्सपेंडिचर दो टाइप के होते हैं, एक आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, एक आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो आपके ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, क्योंकि उससे जो आपको बेनिफिट मिलता है वो सिर्फ एक अकाउंटिंग पीरियड का ही मिलता है, उस 12 महीने में वो अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो जाता है, यस। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर वो आपको बेनिफिट लॉन्ग टर्म के लिए देता है, इसका हम सेपरेट डिस्कशन कर चुके हैं जब हमने रिविजन सीरीज स्टार्ट की थी, वो पहला चैप्टर था, पहला चैप्टर था। हाँ जी, तो यही होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में जाता है और वो ओवर द पीरियड ऑफ यूजफुल लाइफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होता है थ्रू डेप्रिसिएशन, बिल्कुल सही। लेकिन अगर हम बात करते हैं सर, अगर हम बात करते हैं रिसीट्स की, अगेन ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले कि रिसीट्स आपकी दो टाइप की होती है, कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स मतलब जो बिजनेस की नॉर्मल ऑपरेटिंग इनकम होती है, जैसे कि सेल्स वगैरह हो गई। हाँ जी, कैपिटल रिसीट को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने आपको समझाया था, क्या अगर आपका फिक्स्ड एसेट कम हो रहा है, आपने फिक्स्ड एसेट बेच के पैसा कमाया है, फिक्स्ड एसेट बेचने से पैसा आया है, उसको कैपिटल रिसीट बोलते हैं, या फिर आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है, एब्सोल्युटली यस। एवरीबॉडी, किन किन बच्चों को याद है भाई, हमने पहले ही क्लास में, जो हमने पहली क्लास करी थी उसमें हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स के बारे में ही पढ़ा था डिटेल में। आई गेस 1.5 घंटे में हमने उस चैप्टर को कवर किया था, बिल्कुल कवर किया था, राइट, कि रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती है और आपकी कैपिटल रिसीट्स क्या होती है। फैंटास्टिक। अब इसके बाद सर आते हैं किस पे, अब आते हैं फटाफट से एडजस्टमेंट्स पे। ये सारी बातें ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है सर, एडजस्टमेंट्स पे। हाँ जी, अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो सर, अब हम शुरू करेंगे क्या, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एवरीबॉडी ध्यान से देखें, अब मुझे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, तो ध्यान रखना ट्रेडिंग अकाउंट अच्छा और आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सर एक ही अकाउंट है, बस एक अकाउंट के दो पार्ट कर दिए। यस नो, एक अकाउंट के दो पार्ट कर दिया आपने, एक ट्रेडिंग अकाउंट, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट से आपको पता चलता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। सर ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं, मेरे यहां पर कुछ है ही नहीं, अरे अरे अरे, मान लो बेटा इस माउस की बात करते हैं, ठीक है, तो मेरा काम क्या है बेटा, इस माउस को मैन्युफैक्चर करना, इसको बेचना, एब्सोल्युटली यस। अगर मुझे ये जानना है कि मान लो ये माउस मैं बेचता हूं कितने रुपए का, मान लो 500 रुपए का, कितने का, 500 रुपए का, तो मुझे बस ये जानना है कि इस माउस को बनाने में कितना खर्चा आया। सर उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट, कि जो आप इस माउस को देख के बता सकते हो कि भाई आपने क्या रॉ मटेरियल यूज किया है, इसको बनाने में आपने
कितने वर्कर्स यूज करे, उनको वेजेस कितना पे करा, तो जो आपके डायरेक्ट कॉस्ट होती है वो बताओ कि भाई 500 रुपए मेरे को बेचने में लगते हैं, मतलब बेचने में मिलते हैं 500 रुपए, इसका सेल्स हो गई, और बनाने में लगते हैं 300 रुपए। तो मतलब क्या सर, जो डायरेक्ट प्रॉफिट मैं बोलता हूं कि भाई सामान को बेचने से प्रॉफिट कितना होता है, वो है 200 रुपए। लेकिन आपको पता है कि बिजनेस में काफी कुछ होता है, बैक एंड पे होता है, आपका ऑफिस होता है, आपके वेयर हाउस होते हैं, आपका मार्केटिंग का खर्चा होता है, सैलरी पे करनी है, इलेक्ट्रिसिटी है, बहुत कुछ चीजें होती हैं। हाँ, वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको पता चलती है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको क्या बताता है, नेट प्रॉफिट। तो इसलिए हमने क्या किया, अपने इस अकाउंट को दो पार्ट में डिवाइड करा, जिससे मुझे ये पता चल जाए, क्या पता चल जाए, मुझे ये पता चल जाए कि भाई ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब उसको बेचने से मुझे डायरेक्ट कितना प्रॉफिट हो रहा है, एब्सोल्युटली यस। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की। जैसे मैंने आपको बोला कि इसको बनाने में खर्चा कितना है, जो सामान आपने बेचा उसकी कॉस्ट कितनी है, उसको हम क्या बोलते हैं, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सब बच्चों ने ये पढ़ रखा है सर, इसका एक सिंपल बेसिक सा फॉर्मूला होता है। स्टार्टिंग में आपके पास कितना स्टॉक था, प्लस आपने कितना खरीदा, परचेजेस, हाँ जी, उसको बनाने में कितना खर्चा आया, विच इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और एंड में कितना बच गया। बिल्कुल सही सर, ये सब चीजें सब बच्चों को पता है। कंफ्यूजन कहां पे होती है, कंफ्यूजन होती है डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है। तो सिंपल सी बात है सर, जो गुड्स को बनाने में खर्चा लगता है, जो आपके फैक्ट्री में खर्चा लगता है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक बहुत ही छोटी सी इसकी लिस्ट होती है, तो ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड का मतलब क्या है, अगर आप रॉ मटेरियल परचेस कर रहे हो, हाँ जी, तो रॉ मटेरियल को अपने फैक्ट्री तक लाने में जो आप ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा करते हो, दैट इज कैरेज इनवर्ड। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज होती है इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब जब आप कुछ खरीद रहे हो, जब सामान आपके पास आ रहा है, रॉ मटेरियल आपके पास आ रहा है, उस टाइम का खर्चा कैरेज इनवर्ड। सर लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको बोला जाएगा क्या कैरेज आउटवर्ड, अगर यहां पे क्या होता, आउटवर्ड होता, कैरेज आउटवर्ड होता, तो ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस में नहीं आता। आउटवर्ड का मतलब होता है सेल के टाइम पे किया गया खर्चा, कैरेज आउटवर्ड। बिल्कुल सही, तो कैरेज आउटवर्ड आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, कैरेज इनवर्ड आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। सिमिलरली फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड। ऑल राइट सर, देन उसके बाद क्या है, उसके बाद ट्रैवल इंश्योरेंस। मान लो आपका जो रॉ मटेरियल आ रहा है, सर मैं यहाँ पे गुड़गांव में बैठा हूं, और मैंने कहां से मंगवाया सर, मैंने मंगवाया है लेट्स से मुंबई से। अच्छा, अब मुंबई से यहां तक आ रहा है, तो मुझे डर है कि कहीं रास्ते में उसको कुछ हो ना जाए, तो मैंने क्या किया, इन ट्रांजिट इंश्योरेंस। इसको क्या बोलते हैं, इन ट्रांजिट इंश्योरेंस। तो कहने का मतलब क्या है, हमने एक चैप्टर पढ़ा है इन्वेंट्री, हाँ जी, हमने वहां पे पढ़ा है कि भाई जो सामान आप खरीद रहे हो, जब तक वो सामान आपके फैक्ट्री में नहीं आता, तब तक सारा खर्चा वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। बिल्कुल सही। सिमिलरली कस्टम ड्यूटी वगैरह, अब आपका सामान फैक्ट्री में आ चुका है, ठीक है, फैक्ट्री तक आने तक, फैक्ट्री में आने तक जो भी आपने खर्चा किया है, दैट इज कंसीडर्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एब्सोल्युटली यस। अब फैक्ट्री में आने के बाद जो खर्चा होता है, आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो मान लो, तो क्या फैक्ट्री में कुछ खर्चा होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। आपको क्वेश्चन में अगर डायरेक्टली गिवन है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, तो बल्ले बल्ले और क्या चाहिए, राइट सर। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस मतलब आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे कि आपके वेजेस हो गए। मतलब आपने कई बार देखा होगा बहुत सारी फैक्ट्रीज में क्या होता है कि जो वर्कर्स होते हैं उनको क्या बोलते हो, उनको आप पर यूनिट के बेसिस पे पे करते हो, या पर डे के बेसिस पे पे करते हो। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली सिर्फ आपके गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे जो आप वेजेस पे कर रहे हो सर, दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंस, एब्सोल्युटली यस। कोल, गैस, वाटर, सर अगर आपको ये गिवन है तो आप यही मान के चलते हो कि ये फैक्ट्री में यूज होने वाली चीजें हैं। कोल जो मशीन्स को चलाने के लिए काम आता है, गैस, वाटर, ये सब चीजें। और रॉयल्टी कब आएगी सर, आपको मान लेते हैं आप कोई मशीन यूज कर रहे हो, ठीक है, अब वो मशीन किसी और का इन्वेंशन है, या कोई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, कुछ भी यूज कर रहे हो सर, वो किसी और ने इन्वेंट करी है, उसको यूज करने के लिए, उसकी परमिशन लेने के लिए आपको रॉयल्टी पे करनी होती है। हाँ जी सर, रॉयल्टी पे करनी होती है पर यूनिट के बेसिस पे। क्या वो भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है? हाँ, क्योंकि उसके बिना आप मैन्युफैक्चरिंग कर ही नहीं सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते हो। तो मोटा मोटा आपका यही सब खर्चे कहाँ आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। मैंने यहाँ पे लिस्ट मेंशन कर रखी है, जैसे कि वेजेस, गैस, वाटर, फ्यूल, कोल, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, कस्टम इंश्योरेंस, जो कि हमेशा क्या होती है, नॉन रिफंडेबल होती है। बिल्कुल सही बात है, यही आपको क्वेश्चंस में दिखेगी, बिल्कुल दिखेगी। ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, फटाफट से देखते हैं। अब देखो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, डेबिट साइड पे सारे खर्चे आते हैं, क्रेडिट साइड पे इसकी इनकम आती है। अब मैंने डिटेल क्लासेस में इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, फटाफट से मैं आपको समझा देता हूँ। जनरली क्या है, जैसे मैं परचेज की बात करता हूँ या एक्सपेंसेस की बात करता हूँ, हाँ जी, तो देखो जब आप अपने एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हो, मतलब
जब आपका एक्सपेंस हुआ तो आप क्या एंट्री पास करते हो, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, सिंपल सी बात है राइट। नाउ सर एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट है, इसको आप ट्रांसफर करते हो मतलब क्लोज करते हो, क्लोज करने के लिए एक्सपेंस अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाता है और कहां ट्रांसफर होता है, ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसीलिए सर यही एक रीजन है कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे आपके क्या आ रहे होते हैं, सारे खर्चे। रीजन क्या है, क्योंकि एक्सपेंस का अकाउंट क्रेडिट होता है क्योंकि आप एक्सपेंस को क्लोज कर रहे हो, बिल्कुल। तो एक्सपेंस का अकाउंट अगर क्रेडिट हो रहा है तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस तो डेबिट ही होगा, ऑब्वियसली बात है, तो इसलिए वो डेबिट साइड पे आते हैं। सिमिलरली फॉर इनकम, अगर हम सेल्स की बात करते हैं तो सर सेल्स जब आप रिकॉर्ड करते हो, फॉर एग्जाम्पल कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो सेल्स आपकी क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है। सर जब आप नॉमिनल अकाउंट को क्लोज करोगे, जब आप क्लोज करोगे तो आपकी सेल्स क्या होंगी, क्या आपकी सेल्स डेबिट होंगी, एब्सोल्युटली यस। अब सेल्स डेबिट हो रही है तो ट्रेडिंग अकाउंट ऑब्वियसली बात है ना कि ट्रेडिंग अकाउंट आपका क्रेडिट होगा, यस सर। तो इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आप सेल्स वगैरह लिखते हो। और क्लोजिंग स्टॉक की कहानी मैं आपको पहले सुना चुका हूं, राइट। क्लोजिंग स्टॉक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि क्लोजिंग स्टॉक आपका यहाँ पे क्यों आता है, बहुत ही सिंपल सी बात है कि सर ये जो चीजें हैं, अगर मैं इन तीन चीजों की बात करता हूँ, यस सर, जो आपका ओपनिंग स्टॉक है, जो परचेजेस है, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। सर मतलब फॉर एग्जाम्पल आपका ये ओपनिंग स्टॉक हो गया, जो भी आपका ओपनिंग स्टॉक है मान लो 1 लाख रुपए का, ठीक है। फिर आपका परचेजेस हो गया, यस सर, मान लेते हैं कितने का, 5 लाख रुपए का, और आपने इस पे क्या किया, कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंकर करे हैं। अरे बनाओगे सामान तो पैसा नहीं लगेगा क्या, बिल्कुल लगेगा, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपने इंकर करे। हाँ, अब ये सामान आपके पास है, आपने ये टोटल सामान बनाया, उसका खर्चा कितना आया, सर 7 लाख रुपए आया। इसको क्या बोला हमने, इसको बोला कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ये बहुत मोटा हो गया, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, एब्सोल्युटली यस, कि जो गुड्स आपके पास अवेलेबल हैं। अरे काहे जरूरी है क्या, क्या ये जरूरी है कि सारा सामान बिक जाएगा, नहीं सर, नहीं जरूरी ना, नहीं। तो आपको पता चला कि आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है, हाँ या ना, क्लोजिंग स्टॉक है। सर कितना क्लोजिंग स्टॉक है, मान लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख रुपए का है, तो इसका मतलब 7 लाख रुपए का आपके पास सामान था, जो आपने कहां लिखा, डेबिट साइड पे लिखा, हाँ। लेकिन 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 1 लाख रुपए का सामान बच गया ना, हाँ जी बच गया, तो COGS क्या है, COGS मतलब जो सामान आपने बेचा उसकी कॉस्ट कितनी है। तो सामान तो 6 लाख रुपए का बेचा ना, इसका मतलब 7 लाख में से 1 लाख रुपीज आपको माइनस करने हैं, एब्सोल्युटली यस माइनस करने हैं। और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करने के लिए ही हम क्या करते हैं, एक एंट्री पास करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि आपका क्या होता है सर, एसेट होता है, तो क्लोजिंग स्टॉक आपका डेबिट होगा बिल्कुल, और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। क्यों आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, जो कि बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपको डेबिट में से कुछ माइनस करना है तो यहां पे हम मैथ्स तो पढ़ नहीं रहे सर, हमारे यहाँ पे प्लस माइनस नहीं चलता, डेबिट क्रेडिट चलता है, बिल्कुल सही। तो अगर डेबिट में से कुछ माइनस करना है तो उसको क्रेडिट साइड पे लिखना पड़ेगा ना, बिल्कुल लिखना पड़ेगा, इसलिए आपने क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखा, क्रेडिट साइड पे, ऑब्वियसली बात है। देन उसके बाद एंड में क्या करना है, एंड में आपको देखना है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। सर प्रॉफिट या लॉस कैसे देखना है, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है देन इसका मतलब प्रॉफिट है, अरे सेल्स वाली साइड ज्यादा आ रही है तो प्रॉफिट है, और अगर डेबिट वाली ज्यादा आ रही है तो आपको लॉस हुआ, जिसको हमने क्या बोला, ग्रॉस लॉस, फैंटास्टिक। आ जाओ सर इसके बाद नेक्स्ट, अगर हम बात करेंगे इसकी सर, अगर हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, क्वेश्चंस करवाऊंगा, टेंशन मत लो, एक बार पहले सारी एडजस्टमेंट्स रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन भी करवाऊंगा। सर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, अब क्या होता है सर, अब मेरे को अपने बिजनेस का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालना है, अभी तो मैंने ग्रॉस निकाला है, बिल्कुल सही। तो जो भी अब आपके खर्चे जो ट्रेडिंग में नहीं गए उनको कहां जगह मिलती है, प्रॉफिट एंड लॉस में, दिमाग ही नहीं लगाना, कोई भी खर्चा कोई भी नुकसान जो ट्रेडिंग में रिकॉर्ड नहीं होता वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाता है, सब कुछ, हाँ जी सब कुछ, सिंपल सी बात है। ऐसे ही आपका रेवेन्यू एंड इनकम, जो सेल्स है सर, सेल्स कहां जाती है, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, इसके अलावा कोई भी इनकम एनी रेवेन्यू वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में आ जाएगा, बिल्कुल सर बिल्कुल आ जाएगा। ऑल राइट, आपको पता है सर नेट हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो कहां से शुरू होता है, ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस से, ऑब्वियस सी बात है कि भाई मेरा इतना ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आ गया है, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालना है। अच्छा ठीक है, ये सब बातें तो ठीक है, आ जाओ फटाफट से, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस है, हाँ जी। अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है,
प्रॉफिट जैसे कि आप कहाँ लिखते हो, क्रेडिट साइड पे, तो आपने वो लिखा क्रेडिट साइड पे, अगर लॉस हुआ है तो डेबिट साइड पे। अब यहाँ पे तो इन्होंने बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से बता रखा है कि मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस, उसके बाद फाइनेंस। क्या हमको एग्जाम में ऐसे करना है? ना जी ना, इतना दिमाग नहीं लगाना कि मैनेजमेंट खर्चे कौन से, ये खर्चा कौन सा, नहीं। सिंपल आप सीधा लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो कि ये मेरा एक्सपेंस है। मैनेजमेंट एक्सपेंस का मतलब ऑफिस वाले खर्चे, अगर आपने ऑफिस बना रखा है तो आपके ऑफिस वालों को सैलरी देना, उनका रेंट देना, सर उनका प्रिंटिंग स्टेशनरी, टेलीफोन, पोस्टेज, ऑडिट फीस, ये सब आपका हो गया। मेंटेनेंस मतलब जो मशीन्स की आपकी मेंटेनेंस हो गई, उनका डेप्रिसिएशन हो गया, उनका नॉर्मल रिपेयर मेंटेनेंस हो गया। सर उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आपका क्या हो गया, मार्केटिंग वगैरह का खर्चा, देन आपका मतलब ये सारे खर्चे। उसके बाद कोई लॉस हुआ जो हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल लॉस। मैंने क्या बोला सर, इतना दिमाग लगाना ही नहीं है, सिंपल सी बात है। ट्रेडिंग अकाउंट में आपको पता चल गया कि कौन से एक्सपेंसेस आते हैं, कौन सी इनकम आती है। उसके अलावा जो भी एक्सपेंसेस, जो भी लॉसेस, जो भी इनकम या जो भी गेन आपको हो रहा है, वो सब आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। और लास्ट में जाके आप क्या निकाल लेते हो, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, जो आपके कैपिटल। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, लैग हुआ, लैग हुआ, लैग हुआ, लैग हुआ, ठीक हो गया क्या? हेलो 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 हेलो, लैग आया, लैग हुआ, लैग हुआ। अरे अब ठीक है, अब ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ एवरीबॉडी, फटाफट से आ जाओ अभी, ठीक है। हाँ बहुत दिनों बाद हुआ ये, है ना, आज इसको मेरी याद आ गई, बहुत दिनों बाद आज क्लास में लैग हुआ है। आ जाओ फटाफट से आ जाओ सर, जल्दी से शुरू करेंगे। हाँ जी जल्दी से शुरू करेंगे, अब सही है। हाँ जी नाउ शुरू करेंगे सर, क्या हुआ एडजस्टमेंट। अरे देखो देखो, अच्छा गंजी मुरारी ने बोला आई थिंक दिस इज अ रिकॉर्डेड क्लास। बिल्कुल बेटा बिल्कुल बिल्कुल रिकॉर्डिंग में चल रही है, और क्या। आ जाओ देखो फटाफट से एडजस्टमेंट एवरीवन। हाँ जी ठीक है, एडजस्टमेंट डिस्कस करेंगे, सारी एडजस्टमेंट डिस्कस करेंगे। नाउ फोकस, चलो बेटा मजाक हो गया, बीच में एक मिनट का ब्रेक हो गया। हाँ जी हो गया, अब आ जाओ फटाफट से एवरीवन। सबसे पहली एडजस्टमेंट, अब बेटा सुन लो बस, मुझे पता है आपको आती है, बस अब मेरी बात सुन लो, रिवाइज हो जाएगा, रिवाइज करना ना हमको, ठीक है। सबसे पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या है? मतलब यह है कि आपका खर्चा हो चुका है, आप बेनिफिट ले चुके हो, लेकिन आपने पे नहीं करा। अब एक चीज ध्यान रखनी है, एडजस्टमेंट का मतलब क्या है? आपको एक ट्रायल बैलेंस दे रखा है, ठीक है, ट्रायल बैलेंस के नीचे आपको एडजस्टमेंट्स गिवन है। इसका मतलब क्या है? ये वो ट्रांजेक्शन्स हैं जिसका अभी कोई ट्रीटमेंट हुआ ही नहीं है। आपको पता है हर ट्रांजेक्शन के दो ट्रीटमेंट होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अगर आपका एडजस्टमेंट गिवन है, इसका मतलब उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ, विच मीन्स उसके दो ट्रीटमेंट होने बाकी हैं। जो चीजें ट्रायल बैलेंस में गिवन होती है सर, ट्रायल बैलेंस में इसका मतलब है कि उनका एक ट्रीटमेंट हो चुका है। ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है सर? देखो सबसे पहले आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो, सबसे पहले रिकॉर्डिंग होती है। हाँ जी, जब आपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करा, उसी को आपने लेजर में डाला, उसी को आपने ट्रायल बैलेंस में डाला सर, इसके बाद वो ट्रांजेक्शन ट्रांसफर होती है। ट्रांसफर कहाँ होती है? ट्रांसफर होती है या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या बैलेंस शीट में, बिल्कुल सही। तो जो ट्रायल बैलेंस आपको गिवन होता है, ट्रायल बैलेंस में जो चीजें आपको दे रखी हैं, इसका मतलब उनका एक ट्रीटमेंट हो चुका है, उनकी रिकॉर्डिंग हो चुकी है। बस अब क्या करना है, आपको ट्रांसफर करना है या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या बैलेंस शीट में। लेकिन अगर आपको एडजस्टमेंट्स गिवन है, इसका मतलब उनके दोनों ही ट्रीटमेंट पेंडिंग है। क्या पेंडिंग है? दोनों ही ट्रीटमेंट पेंडिंग है। हाँ सर, एक ट्रीटमेंट नॉर्मली आपका प्रॉफिट एंड लॉस में होगा और दूसरा ट्रीटमेंट नॉर्मली बैलेंस शीट में होगा। ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन नॉर्मली मैं बात कर रहा हूं। ऐसी कुछ ट्रांजेक्शन हो सकती हैं कि जिनका दोनों ही ट्रीटमेंट आपके प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग में हो जाए, एबनॉर्मल लॉस वाली हो सकती है। राइट सर, ऑल राइट, आ जाओ फटाफट से शुरू करते हैं। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की आपको एडजस्टमेंट दे रखी है, इसका मतलब आपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रिकॉर्ड ही नहीं किया, खर्चा हो चुका है। हाँ तो सबसे पहले क्योंकि आपका खर्चा बढ़ रहा है, आपने खर्चा रिकॉर्ड नहीं किया, तो हम खर्चे को रिकॉर्ड करेंगे, बिल्कुल रिकॉर्ड करेंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक्सपेंस अकाउंट आप डेबिट करोगे, बिल्कुल। कहां गया मैं? हाँ सर, एक्सपेंस अकाउंट हम डेबिट करेंगे, और क्योंकि आउटस्टैंडिंग है मतलब लायबिलिटी, तो एक आपका एक्सपेंस हो गया और एक आपकी लायबिलिटी हो गई। एक्सपेंस आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, डिपेंडिंग ऑन
कौन सा एक्सपेंस है। अगर डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग में जाएगा, इनडायरेक्ट है तो आपका वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। एक बात पक्की है कि लायबिलिटी में दिखाना ही दिखाना है क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग है। ये आपका पहला एडजस्टमेंट होती है। सेकंड होता है प्रीपेड एक्सपेंस। आपने अपने एक्सपेंसेस को प्रीपे कर दिया है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जब आप अपने एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हो, यहां पे मैंने समझा रखा है, सर आपने एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया कैसे? आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया। जैसे ही आप अपने खर्चे को पे करते हो, अपने खर्चे का अकाउंट डेबिट हो जाता है। हम सर कोई भी खर्चा जब मैं पे करता हूं तो खर्चा अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये आपने रिकॉर्डिंग कर दी है। क्या करिए? उसकी रिकॉर्डिंग कर दी। लेकिन आपको बाद में पता चलता है, सर जब मैं 31 मार्च को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा होता हूं तब मुझे पता चला कि यार 30,000 रुपीज का जो आपका प्रीमियम है वो क्या है? वो आपका प्रीपेड है। अब इसका मतलब क्या है कि वो इस साल का खर्चा नहीं है, इस साल का खर्चा नहीं है, वो अगले साल का खर्चा है। सर दैट इज एसेट। हां जी सर, इसका मतलब वो एसेट है। क्या है? एसेट है। क्यों? क्योंकि आपने पेमेंट कर दी, लेकिन आपको बेनिफिट कब मिलेगा? आपको बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, राइट? तो सबसे पहला तो एसेट हो गया। दूसरा, आपको अपने खर्चे में से माइनस करना है क्योंकि वो आपका खर्चा नहीं है। सर खर्चे में से माइनस कैसे करेंगे? एक्सपेंस जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, एक्सपेंस को जब कम करना होता है तो क्रेडिट होता है। बिल्कुल सही। तो एक्सपेंस आपने क्या कर लिया सर? सबसे पहले तो एक्सपेंस आपने क्रेडिट कर दिया, और प्रीपेड एक्सपेंस आपका क्या हो गया? डेबिट हो गया। एब्सोल्युटली यस, सिंपल सी बात है। हाँ सर, सिंपल सी बात है। यस और नो? बिल्कुल सही। अच्छा ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, एक्रूड इनकम पे। एक्रूड इनकम क्या बोलता है? एक्रूड इनकम बोलता है कि भाई आपकी इनकम हो गई, पैसा पूछा आपने कमा लिया, लेकिन पैसे नहीं मिले। अगर आपकी इनकम हो गई, आपको पैसे नहीं मिले, पूरी की पूरी रिकॉर्ड करनी है, हाँ तो सबसे पहले तो मैं अपनी इनकम को रिकॉर्ड करूंगा। सर इनकम को कैसे रिकॉर्ड करेंगे? इनकम जब आपको रिकॉर्ड करनी होती है तो क्या उसको क्रेडिट करते हैं? एब्सोल्युटली क्रेडिट करते हैं। अब एक्रूड का मतलब क्या है? एक्रूड का मतलब है कि पैसा नहीं मिला, तो मिलेगा ना? अरे मिलेगा, तो इसका मतलब क्या वो एसेट है? बिल्कुल एसेट है। तो आपकी जो भी एक्रूड इनकम होगी वो आपकी डेबिट हो जाएगी और इनकम आपकी क्रेडिट हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? जो इनकम है ये तो चली गई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सही बात है। एक्रूड इनकम आपका एसेट है तो बैलेंस शीट में। जैसे मैंने आपको बोला, जो एडजस्टमेंट्स होंगी सर, जो भी आपकी एडजस्टमेंट्स होंगी उसके दो ट्रीटमेंट होंगे। एक एक्रूड इनकम मतलब आपका बैलेंस शीट, एक आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एज सिंपल एज दैट। अच्छा ठीक है, इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इसका मतलब क्या है कि अभी कमाया नहीं है बेटा पैसा, लेकिन पैसा मिल गया। अगर आपने पैसा कमाया नहीं है, पैसा मिल गया, तो सबसे पहले क्या आपको अपनी इनकम कम करनी पड़ेगी? हाँ, क्योंकि वो आपकी इनकम नहीं है। क्या वो आपकी इनकम है? सर वो आपकी इनकम नहीं है। नहीं है। इनकम कम करना मतलब इनकम को डेबिट करना, इनकम कम करना मतलब इनकम को डेबिट करना। और क्योंकि आपको एडवांस में पैसा मिल गया सर, वो आपकी लायबिलिटी है, जिसको हम अर्न अर्न्ड इनकम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्न अर्न्ड इनकम। एब्सोल्युटली यस। सबसे पहले इनकम को कम किया, इनकम कम किया मतलब कोई भी इनकम होगी सर उसमें से माइनस करेंगे। जो भी आपकी इनकम होगी, जो आपने अभी कमाई नहीं है, अगले साल काम करना पड़ेगा तब जाके पैसे मिलेंगे। तो हमने क्या किया? इनकम में से माइनस किया, और क्योंकि अभी कमाई नहीं है सर, दैट्स अ लायबिलिटी। आपके ऊपर, कंधों के ऊपर एक बोझ है, एक ऑब्लिगेशन है कि अगले साल आपको काम करना है, तो लायबिलिटी है आपकी। कहां चली गई? बैलेंस शीट में चली गई। बहुत ही बढ़िया। इसके बाद आते हैं फटाफट से नेक्स्ट। देखो सर, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको पहले ही समझा दी है, यहां पे मैंने उसको दोबारा समझाया था, सुन लो ध्यान से एवरीबडी। अगर आपको ट्रायल बैलेंस में, एवरीवन, अगर आपको ट्रायल बैलेंस में रेंट अकाउंट गिवन है, सब बच्चे मुझे आंसर देंगे जिनका एग्जाम है अभी, ठीक है। सर आपके ट्रायल बैलेंस में रेंट अकाउंट गिवन है कितना? 10,000। और ट्रायल बैलेंस में ही आउटस्टैंडिंग रेंट भी गिवन है 2,000। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रेंट का खर्चा कितना जाएगा? जल्दी बोलो फटाफट से। सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपके रेंट का खर्चा कितना जाएगा? आपको रेंट गिवन है 10,000 का, यस सर, और आपको आउटस्टैंडिंग रेंट भी दे रखा है 2,000 रुपीज का। किसी भी बच्चे ने 12,000 रुपए नहीं बोला, इसका मतलब आपको क्लियर है? क्लियर है? हां जी सर, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है, शाबाश सर। क्यों? अरे क्यों? क्योंकि बेटा मैंने आपको क्या कहा था, कोई भी चीज ट्रायल बैलेंस में कब आती है? चीज ट्रायल बैलेंस में तब आती है जब उसकी रिकॉर्डिंग हो चुकी है, आप उसको रिकॉर्ड कर चुके हो। सर मतलब ये जो आउटस्टैंडिंग रेंट आपको 2,000 रुपए का ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है,
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये वाली एंट्री आप ऑलरेडी पास कर चुके हो, मतलब रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट हम ऑलरेडी एंट्री पास कर चुके हैं। ये 2,000 रुपए ऑलरेडी 10,000 में इंक्लूडेड हैं। हाँ जी, तो मतलब क्या है? मतलब आपके रेंट अकाउंट सर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा बिल्कुल 10,000 रुपीज का, और आउटस्टैंडिंग रेंट आपका लाइबिलिटी साइड में जाएगा बैलेंस शीट में। यस सर, यस, ये चीज ध्यान रखना सर। गलती मत करना कि अगर आपको ये लगे कि भाई मेरा तो रेंट 12,000 का, नहीं सर, नहीं 12,000 का नहीं है सर, 10,000 का ही है। जितना आपके ट्रायल बैलेंस में आ रहा है, जितना भी आपके ट्रायल बैलेंस में आ रहा है उतना ही है। एब्सोल्युटली यस। योगेश बेटा थैंक यू सो मच, मैंने आपका मैसेज देख लिया है, समझ में आ गया, बहुत ही अच्छी बात है, अभी इसको कंटिन्यू कर लें। हाँ जी, एवरीबॉडी क्लियर है? सिमिलरली कमीशन के बारे में मैंने आपको लिखा हुआ है, तो बार बार मैं एक चीज बोल रहा हूं, अगर आपको एडजस्टमेंट गिवन है उसके दो ट्रीटमेंट होते हैं, लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है उसका एक ट्रीटमेंट ऑलरेडी हो चुका है, दूसरा मुझे करना है या तो पीएनएल में जाएगा या बैलेंस शीट में जाएगा। सर अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। ओ हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट विच इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। फटाफट से सुनेंगे, पूरी की पूरी कवर करूंगा, ठीक है? पहली बात तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है अगर आपको ऐसा एंटिसिपेट हो रहा है, ऐसा आपको एक्सपेक्टेशन है आपकी कि मेरा पैसा डूबने वाला है। डूबा नहीं है, डूबा डूबा नहीं सर, डूबा डूबा नहीं, डूबने वाला है। हाँ, तो हम एज पर द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हम क्या करते हैं, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम अपने लॉस को रिकॉर्ड करते हैं। अभी हुआ नहीं है लेकिन करेंगे रिकॉर्ड, क्योंकि आपका बिजनेस एक्सपीरियंस, आपकी गट फीलिंग आपको बोल रही है कि भाई नुकसान होने वाला है, ठीक है? आपके ट्रायल बैलेंस में डेटर्स आ रहे हैं 1 लाख रुपए के, ऑल राइट, आपको प्रोविजन क्रिएट करना है कितने का, 10% का। तो इसका मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि 1 लाख में से 10% डूबने वाले हैं। अभी डूबे नहीं है, बार बार बोल रहा हूं, अभी बैड डेट नहीं हुआ है। बैड डेट हम कब रिकॉर्ड करते हैं? बैड डेट रिकॉर्ड करते हैं जब पैसा डूब ही गया, अभी डूबा नहीं है। ऑल राइट सर, ठीक है, अच्छा ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अरे सुनो 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 सर, सिंपल सी बात है, अगर आपको अपना लॉस रिकॉर्ड करना है तो वो लॉस कहाँ रिकॉर्ड होगा? क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होगा? हाँ। और आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या होगा? क्रेडिट। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि आपके डेटर कम होने वाले हैं। क्या आपको ऐसा फीलिंग आ रही है? हाँ सर, ऐसी फीलिंग आ रही है कि क्या होने वाला है सर, कि मेरे डेटर कम होने वाले हैं। हाँ जी, कम होने वाले हैं। तो उसको मैं क्या बोलता हूँ? कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट। जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ रखा है उनको पता है कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट का मतलब क्या है, कि फ्यूचर में सर डेटर कम होंगे। हाँ जी बिल्कुल होंगे, उसके लिए आपने एक अकाउंट बनाया विच इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। बिल्कुल सही सर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये 10,000 रुपये आप क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करोगे। हाँ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की क्या प्रेजेंटेशन होती है, फटाफट से देखते हैं। देखो, आपके डेटर कम नहीं हुए, मैं बार बार बोल रहा हूं, आपके डेटर अभी भी कितने हैं? आपके डेटर अभी भी 1 लाख रुपए के हैं, ठीक है? लेकिन प्रोविजन मतलब आपका कॉन्ट्रा एसेट, इसकी प्रेजेंटेशन क्या है कि आप अपने डेटर में से माइनस करके देते हो, माइनस करके दिखाते हो। हाँ, और नेट अमाउंट कितनी आती है? 90,000। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि आपके डेटर्स कितने हैं तो आप 90,000 बोलोगे या 1 लाख रुपीज? अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आपके डेटर्स 1 लाख रुपए के हैं या 90,000 रुपीज के हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? सर आपका आंसर 1 लाख रुपए होना चाहिए। हाँ या ना सर, क्या आंसर होना चाहिए? 1 लाख रुपए। एब्सोल्युटली यस। डेटर्स हमारे 90 के नहीं है, बार बार बोल रहा हूं। हाँ भाई, मेरा डेटर, डेटर का बैलेंस कब कम होगा? जब आप डेटर को क्रेडिट करोगे। भाई डेटर हमारा एसेट है, डेटर कौन है? हमारा एसेट है। एसेट आपका कब कम होता है? जब उसको क्रेडिट करोगे। क्या आपने डेटर को क्रेडिट किया? नहीं। तो डेटर 1 लाख रुपए के हैं, उस पर आपने प्रोविजन बनाया, आपको लग रहा है कि पैसा डूब जाएगा, अच्छा ठीक है। अब आते हैं, देखो नेक्स्ट, आपके डेटर दे रखे हैं 1 लाख के, ऑल राइट। फिर आपको एडजस्टमेंट में, सर एडजस्टमेंट में गिवन है कि बैड डेट को राइट ऑफ करो। एडजस्टमेंट में गिवन है मतलब अभी तक आपने बैड डेट को रिकॉर्ड ही नहीं किया। सर इसका मतलब तो यही है ना कि बैड डेट को रिकॉर्ड नहीं किया। अब बैड डेट को रिकॉर्ड करने की एंट्री सब बच्चों को पता है सर, बैड डेट हमारा लॉस होता है। क्या होता है? लॉस होता है। यस सर बिल्कुल लॉस होता है। तो बैड डेट्स क्या होते हैं आपके? बैड डेट्स आपके डेबिट होते हैं, बिल्कुल। अब एक्चुअली में आपका पैसा डूबा डूबा डूबा, हाँ जी बिल्कुल डूबा, और अगर पैसा डूबा, कस्टमर पैसे नहीं दे रहा, अब आप अपने डेटर को कम करोगे। हाँ जी सर, अब आप अपने डेटर को कम करेंगे। और एसेट को कम करना मतलब क्रेडिट करना। हाँ जी, तो ये क्या है? दिस इज बैड डेट को रिकॉर्ड करने की एंट्री। क्या करी आपने? बैड डेट को रिकॉर्ड किया। अब आपको पता है
कि ये बैड डेट नॉमिनल अकाउंट है, कहां ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, तो आपने इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। अब इसका बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट आएगा, सिंपल है, आपके डेटर 1 लाख रुपए के थे, अब 1 लाख रुपए के नहीं रहे क्योंकि 10,000 डूबे डूबे डूबे, यस सर, 10,000 आपके डूब गए। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आपके डेटर्स कितने के हैं, तो अब आप मुझे क्या बोलोगे, अब बोलोगे 90,000 कि सर अब 90,000 के क्योंकि 1 लाख के डूब चुके हैं। ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल था। अब अगर आते हैं थर्ड पे, एवरीबडी, हाँ, दोनों को कंबाइंड करते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल और सेकेंड एग्जाम्पल को कंबाइंड करते हैं, तो क्या बोलता है, ये बोलता है आपके ट्रायल बैलेंस में डेटर आ रहा है कितना, 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का आपका डेटर आ रहा है। कह रहा है आपके बैड डेट्स हो गए 10,000, इसका मतलब 1 लाख में से 10,000 तो डूब ही गए सर, 1 लाख में से 10,000 रुपए डूब गए। हाँ जी बिल्कुल, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अब आपके डेटर्स कितने हो गए, 90,000। आपने उसको रिकॉर्ड करने की एंट्री पास कर दी है, बिल्कुल कर दी है, अच्छा ठीक है, ऑल राइट। अब कह रहा है प्रोविजन क्रिएट करो, भाई प्रोविजन क्रिएट करने का मतलब आपको और भी फीलिंग आ रही है, अरे अंदर से फीलिंग आ रही है, रिसर्च बोलती है, कह रहा है अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि 10% पैसा और डूब जाएगा, तो क्या मैं प्रोविजन 1 लाख पे बनाऊंगा, ना रे, क्यों, क्योंकि 1 लाख में से 10,000 तो डूब ही चुके हैं सर, उनका तो नैया पार हो चुकी है, हाँ जी वो तो डूब गए, तो अब आपके डेटर्स कितने हैं, आपके डेटर्स एक्चुअली में 90,000 रुपीज के हैं, तो प्रोविजन किस पे बनेगा सर, प्रोविजन 90,000 पे बनेगा, कितना, 9,000 रुपए। ये सुनो भाई, प्रोविजन किस पे बनता है, बैड डेट माइनस करने के बाद वाले डेटर्स पे बनता है, ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने प्रोविजन क्रिएट किया, एब्सोल्युटली यस। तो आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या रिकॉर्ड करने वाले हो, एक तो 10,000 रुपए के बैड डेट्स, हाँ जी, और 9,000 रुपए का प्रोविजन, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टोटल कितना जाएगा सर, 19,000 रुपीज। अगर मैं बात करता हूं किसकी, अगर मैं बात करता हूं बैलेंस शीट की, तो आपके डेटर्स 1 लाख रुपए के थे, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, आपके डेटर्स 1 लाख रुपए के थे, फैंटास्टिक। अब 1 लाख में से 10,000 तो डूब गए, यस सर, बैड डेट्स हो गए, तो बचे कितने, 90,000। अब 90,000 आपके डेटर्स है, ध्यान रखना आपके डेटर्स 90,000 है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, बिल्कुल से पता होनी चाहिए। अब 90,000 में से आपको प्रोविजन लेस करके दिखाना होता है 81,000। तो अगर मैं आपको इस क्वेश्चन में पूछूंगा, एवरीवन, इस क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ आपके डेटर्स कितने हैं, तो कितने बोलोगे आप, फटाफट बोलो। ओहो, थक गए क्या, अरे थक तो नहीं गए तुम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर डेटर कितने हैं, हमारे डेटर्स 90,000 रुपीज के हैं, कितने के हैं, 90,000 के, फैंटास्टिक, और उस पे मैंने 9,000 का प्रोविजन क्रिएट किया, यस सर, सिंपल, हाँ जी। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, अब देखो बेटा फोर्थ वाला ध्यान से देखते हैं, फोर्थ वाला एग्जांपल बोलता है कि आपको ट्रायल बैलेंस गिवन है, ठीक है, आपको ट्रायल बैलेंस में डेटर भी गिवन है, बैड डेट भी गिवन है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर बैड डेट्स आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है, तो इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब बैड डेट की रिकॉर्डिंग हो चुकी है भाई, अगर आपको बैड डेट का अकाउंट ट्रायल बैलेंस में गिवन है, मतलब बैड डेट को रिकॉर्ड कर चुके हो सर, मतलब ये वाली एंट्री ऑलरेडी पास हो चुकी है, दैट इज बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, हाँ जी। तो अगर मैं आपसे सर, अगर मैं आपसे इसी ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे पूछूंगा कि आपके डेटर्स कितने हैं, तो कितने हैं भाई सर, डेटर्स 1 लाख रुपए है, 90,000। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि डेटर्स कितने हैं, तो कितने हैं, 1 लाख या 90,000, जल्दी बोलो सर, डेट अनु बेटा गलत, हाँ जी, कितना सर, 1 लाख रुपए, डेटर्स आपके 1 लाख रुपए हैं, बिल्कुल सही, क्यों, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स दे रखे हैं, तो ये बैड डेट ऑलरेडी एडजस्टेड है सर, ये बैड डेट ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं, हाँ जी सर, माइनस हो चुके हैं, तो डेटर्स आपके 1 लाख के, 90,000 के नहीं है, ऑलराइट सर, ऑलराइट, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोलता है, आपको एडजस्टमेंट दे रखिए, एडजस्टमेंट क्या है, कह रहे हैं राइट ऑफ बैड डेट्स, अच्छा सर, राइट ऑफ बैड डेट्स, अरे वेट भाई, राइट ऑफ बैड डेट्स 15,000। अब अगर आपको एडजस्टमेंट में गिवन है, इसका मतलब ये 15,000 के बैड डेट्स अभी एडजस्ट नहीं हुए हैं, अभी मुझे इनको एडजस्ट करना पड़ेगा, हाँ, और उसके बाद मुझे प्रोविजन क्रिएट करना है, तो बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है सर, 15,000 रुपए मुझे अभी रिकॉर्ड करने हैं, तो ये वाली एंट्री सर, ये वाली एंट्री अभी आपने पास करी 15,000 के लिए, बिल्कुल सही, हाँ जी सर, बहुत ही बढ़िया। अब देखो ध्यान से, देखो देखो देखो, ये जो बैड डेट्स है 10,000 के, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में तो जाएंगे
सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो जाएंगे ना, बिल्कुल जाएंगे बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस में क्यों नहीं जाएंगे, बात तो सही है। अब आपने 15,000 के बैड डेट और रिकॉर्ड करे, सर ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। हाँ तो आपके टोटल बैड डेट्स कितने हैं, टोटल बैड डेट्स आपके 25,000 है, और वो 25 के 25 आपका लॉस है, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे, बिल्कुल डालेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं अब क्या बोल रहा है, कह रहा है प्रोविजन बनाओ 10%। अब मेरे को बताओ बेटा प्रोविजन कौन से डेटर्स पे बनता है, बैड डेट माइनस करने के बाद वाले डेटर्स। तो देखो डेटर्स आपके 1,00,000 रुपए के हैं, जिसमें से 10,000 ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं, हाँ 15,000 आपको माइनस करने हैं, तो डेटर एक्चुअली में कितने के हैं आपके, 85,000 के। सर डेटर एक्चुअली में 85,000 के हैं, एब्सोल्युटली यस। तो 85,000 पे 10% आपको क्रिएट करना है, यस सर, विच इज 8,500। 8,500 इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या जाएगा सर, एक तो आपके 25,000 के बैड डेट जाएंगे, हाँ, और आपके 8,500 के प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जाएंगे। हाँ जी सर बिल्कुल। अगर हम बात करते हैं कि इसकी सर बैलेंस शीट की, तो देखो डेटर्स आपके 1,00,000 रुपए के थे, यस सर। अब इसमें से जो एडजस्टमेंट्स करनी है वो होगी, 1,00,000 में से जो 15,000 के बैड डेट्स आपने माइनस करे, फर्दर बैड डेट्स वो आपने माइनस करे, यस सर। अच्छा मुझे फटाफट से बताओ सर, फटाफट से मुझे बताओ, यहां पे अगर मैं आपसे पूछूंगा कि आपके डेटर्स कितने के हैं, तो कितने के हैं फटाफट से बोलो डेटर्स का बैलेंस। हाँ नेहा बेटा वो बोले बैड डेट आपके प्रॉफिट एंड लॉस में गए ना, यहां पे ट्रायल बैलेंस वाले 10,000 और एडजस्टमेंट वाले 15,000, जल्दी बोलो सब बच्चों ने क्या बोला, 85,000, बिल्कुल सही, क्योंकि पहले आपके डेटर्स कितने थे 1,00,000, और उसके बाद जो फर्दर बैड डेट्स हुए वो कितने हुए 15,000। तो एक्चुअली में जो आपके डेटर्स हैं दैट इज 85,000, यस सर 85,000। इस पे आपने 8,500 विच इज 10% वो आपने प्रोविजन क्रिएट किया, तो नेट अमाउंट आपका ये आ रहा है। ऑल राइट, आई होप आपको रिकॉल हो रहा होगा, बिल्कुल हो रहा होगा। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट पे, अब आएगा अच्छे अच्छे केसेस, अच्छे अच्छे केसेस देखो। अब आपको ट्रायल बैलेंस में डेटर्स दे रखे हैं 1,00,000 रुपए के, ठीक है, और आपको प्रोविजन गिवन है। अब आपको समझना पड़ेगा कि ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन गिवन होने का मतलब क्या है। सर प्रोविजन का मतलब है, प्रोविजन का मतलब है ऑलरेडी रिकॉर्डेड लॉस। मैं ऑलरेडी ये लॉस रिकॉर्ड कर चुका हूं, मैं 10,000 रुपीज का लॉस ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड कर चुका हूं। हाँ ये आपने प्रोविजन बनाया होगा या तो पिछले साल या जब भी, यस सर, ये प्रोविजन आपने बनाया होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर अब 10,000 के बैड डेट्स हो जाते हैं, क्या मतलब है इसका, इन केस अगर 10,000 के बैड डेट्स हो जाते हैं, वो बैड डेट्स आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि पहले से ही आपने उसी पर्पस के लिए 10,000 रुपीज का लॉस रिकॉर्ड कर रखा है। सर यही तो मतलब है प्रोविजन का, प्रोविजन का मतलब ही क्या है, प्रोविजन का इतना तो मतलब है कि आपको ऐसा लग रहा था, जब मुझे लग रहा था कि लॉस होने वाला है, मुझे क्या लग रहा था कि लॉस होने वाला है, तो ही आपने लॉस रिकॉर्ड कर दिया। अब जब एक्चुअली में लॉस होगा, अरे तो दोबारा थोड़ी रिकॉर्ड करूंगा, पहले ही रिकॉर्ड कर दिया। हाँ जी पहले रिकॉर्ड कर दिया। तो अगर अब आपके 10,000 तक के बैड डेट्स हो जाते हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएंगे। अब मान लो आपको एडजस्टमेंट में दे रखा है, क्या सर, कि 8,000 रुपीज के बैड डेट्स हो गए, तो बैड डेट को रिकॉर्ड तो करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर, जैसे हम बैड डेट को रिकॉर्ड करते हैं बिल्कुल वैसे ही करेंगे। लेकिन अब जो ये बैड डेट्स आपका क्रेडिट होगा, आपने बैड डेट्स को डेबिट किया, अब जो क्रेडिट होगा सर, ये क्लोज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, जो हमने प्रोविजन क्रिएट किया था उससे हम इसको क्लोज करेंगे, बिल्कुल सही भाई, ऑब्वियसली बात है। वैसे नॉर्मली मैं यहां पे क्या लिखता था, नॉर्मली मैं लिखता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या लिखता प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि मैं अपने लॉस को रिकॉर्ड कर रहा था। अरे मैंने ये वाला लॉस तो पहले ही रिकॉर्ड कर रखा है, किसके थ्रू, प्रोविजन के थ्रू, बिल्कुल सही। तो अब हुआ क्या, अब हुआ सिंपल सा कि सर 10,000 का मेरे पास प्रोविजन था, उसके अगेंस्ट में 8,000 का लॉस हो चुका है। हाँ क्या मैं बोल सकता हूं कि मेरे पास अभी भी 2,000 का प्रोविजन बाकी है, बोलो हाँ या ना। सर क्या मैं बोल सकता हूं कि 2,000 का प्रोविजन मेरे पास अभी भी बाकी है, हाँ जी बिल्कुल। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ भी नहीं गया, क्यों नहीं गया, क्योंकि सर मैं 10,000 पहले ही प्रॉफिट एंड लॉस में डालकर आया हूं, तो दोबारा थोड़ी जाएगा। हाँ अगर मैं बैलेंस शीट में आता हूं, आपके पास 1,00,000 के डेटर्स थे जिसमें से 8,000 के डूब गए, अरे डूबे या नहीं डूबे, बिल्कुल डूबे, तो अब आपके डेटर्स कितने हो गए, सर डेटर्स हो गए 92,000, और जो प्रोविजन था अब वो 10,000 नहीं रहा, वो कितना रह गया 2,000 रुपए, विच इज 90,000। एवरीबडी क्लियर,
अरे जल्दी बोलो, अभी बाकी है भाई। सबसे बड़ी एडजस्टमेंट ही यही है। जल्दी से ये कवर हो गई तो बस हो गया। जल्दी बोलो। क्लियर? यस सर। अब देखो ट्रायल बैलेंस एवरीबडी। एक बार फिर से क्लोजिंग वाला। बेटा कौन सा क्लोजिंग वाला? सिंपल तो है। अगर आपने प्रोविजन पहले बना रखा है, विच इज ओल्ड प्रोविजन, हाँ या ना, विच इज ओल्ड प्रोविजन, हाँ जी, तो ओल्ड प्रोविजन के अगेंस्ट में आपका बैड डेट राइट ऑफ होता है। उसका लॉजिक समझा रखा है कि सर प्रोविजन आपके पास आया कैसे? प्रोविजन आया क्योंकि मैंने इसको पहले लॉस रिकॉर्ड किया होगा। कौन सा लॉस? यही बैड डेट वाला। सर बैड डेट्स के लिए लॉस रिकॉर्ड किया है। अगर मैंने बैड डेट के लिए लॉस रिकॉर्ड किया है, जब एक्चुअली में बैड डेट हो जाएंगे तो दोबारा थोड़ी रिकॉर्ड करूंगा। हाँ, उस टाइम पे अपने प्रोविजन से राइट ऑफ करूंगा। बिल्कुल सही एवरीबडी। अब आ जाओ नेक्स्ट, ट्रायल बैलेंस की बात करते हैं। अब आपके ट्रायल बैलेंस में काफी कुछ दे रखा है सर, काफी कुछ। धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है। हाँ जी, डेटर्स आपको दे रखे हैं 1 लाख रुपए के। बहुत ही बढ़िया, डेटर दे रखा है 1 लाख रुपए का। आपको बैड डेट दे रखा है 5,000 का। ये बैड डेट आपके ट्रायल बैलेंस में है। किसमें है? ट्रायल बैलेंस में। तो मतलब सर ये एडजस्ट हो चुका है। और आपको प्रोविजन दे रखा है 10,000 का, मतलब 10,000 का लॉस पहले से बुक करके आए हो। अच्छा, बिल्कुल बुक करके आए हो। अब आपको बोला है बैड डेट्स कितने हो गए? 8,000। सर दिस इज एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? बैड डेट को रिकॉर्ड करेंगे। सर सबसे पहले हम क्या करते हैं? बैड डेट्स को रिकॉर्ड करते हैं। हमने बैड डेट्स को रिकॉर्ड किया, लेकिन अब देखो ध्यान से। अब आप देखो टोटल बैड डेट्स कितने हैं। तुषार बेटा तू एक बात बता। हाँ जी, मेरे जो क्या होती है, कौन सी वॉच होती है वो? एप्पल वॉच। एप्पल वॉच वाले काम क्यों कर रहा है? पानी कब पीना है, पानी नहीं पीना? अरे पी लूंगा मैं भाई, इस पे ध्यान दे तू। अरे देखो फटाफट से सर, मेरे टोटल बैड डेट्स कितने हैं? टोटल बैड डेट्स हैं सर 13,000 रुपये, हाँ या ना। 5,000 मैंने पहले ही रिकॉर्ड कर दिए। हाँ जी सर, 5,000 मैंने पहले रिकॉर्ड कर दिए। 8,000 मेरे अब हो चुके हैं, दैट इज 13,000। यस सर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब मेरे को एक बात बताओ सोच समझ के। सर ये 13 के 13,000 आपका लॉस है। हाँ, क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि भाई इसी लॉस के लिए, इसी दिन के लिए तो मैं तैयार बैठा हूं। कौन तैयार बैठा है? ये प्रोविजन। इसी दिन का तो वो इंतजार कर रहा है कि मैंने बैड डेट का लॉस रिकॉर्ड कर रखा है। कब आएंगे वो बैड डेट? सर आ गए, इसके करण अर्जुन आ गए। हाँ जी, कितना है? 10,000 रुपीज। तो इसका मतलब आपने बैड डेट्स के लिए क्या किया था सर? बैड डेट्स के लिए 10,000 रुपीज रिकॉर्ड करे थे। यस सर, 10,000 रिकॉर्ड करे थे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आपका लॉस कितना हो गया सर? आपका लॉस 13,000 रुपए का हो गया। आपने कितना रिकॉर्ड कर रखा? 10। तो इसका मतलब क्या ये है कि मैं 3,000 रुपए का लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करूंगा? यस और नो? भाई मेरे टोटल बैड डेट्स कितने हैं? मेरे टोटल बैड डेट्स 13,000 रुपए हैं। कितने हैं? 13,000। तो बैड डेट्स अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा? 13,000 से। लेकिन क्या 13 के 13 हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे? सर नहीं जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएंगे। क्यों? अरे क्योंकि भाई ये प्रोविजन बैठा हुआ है, पहले से ही रिकॉर्ड करके बैठा है। बिल्कुल। तो 10,000 तो आपने प्रोविजन से राइट ऑफ किया और बाकी 3,000 प्रॉफिट एंड लॉस में। तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में कितने गए सर? प्रॉफिट एंड लॉस में गए 3,000। अगर हम बात करेंगे बैलेंस शीट की, तो 1 लाख रुपए के डेटर्स हैं, बिल्कुल सही। 8,000 के आपके फर्दर बैड डेट्स हुए, मतलब डेटर्स कितने? 92। एवरीबडी गॉट इट? आई थिंक एक या दो केस और है बस। फटाफट से मुझे बोलो क्लियर है? वी हैव टू रिकॉर्ड 5,000, इट्स इन ट्रायल बैलेंस। प्रजना 5,000 तो ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी है, ये तो ऑलरेडी है 5,000। ठीक है, योगेश कह रहा है धीरे धीरे बच्चे कम हो रहे हैं। बेटा अगर आप जाना चाहें तो आप भी जा सकते हैं, कोई नहीं रोक रहा। मेरा काम पढ़ाना है, जिन बच्चों का काम पढ़ना है वो पढ़ लेंगे। राइट, एवरीबडी क्लियर है? यस सर। अब देखो फटाफट से नेक्स्ट। अरे 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 देखो अब आएगा सब कुछ। देखो ध्यान से, मैं बेटा सुन लो ध्यान से, मैं जिस कॉन्सेप्ट से समझा रहा हूं, अगर वहां से प्रॉब्लम होगी, एक फॉर्मूला भी होता है, वो फॉर्मूला भी मैं आपको बता दूंगा एग्जाम में करने के लिए। आ जाओ फटाफट से। अरे देखो देखो फटाफट से देखो, डेटस कितने हैं सर? डेटस हैं 1 लाख रुपए के। कितने हैं? 1 लाख रुपए के सर ट्रायल बैलेंस में। अच्छा, बैड डेट दे रखा है 5,000 का। अब अगेन अगर आपको बैड डेट दे रखा है, विच मीन्स ये ऑलरेडी आपके डेटर में से एडजस्ट हो चुका है। और प्रोविजन मतलब पहले से ही 10,000 रुपए का लॉस रिकॉर्ड करके बैठा है। ऑल राइट सर, आपको बोला फर्दर बैड डेट्स हो गए 4,000। अब इसका मतलब टोटल बैड डेट्स कितने हो गए?
एक तो पहले मैं 4,000 का बैड डेट रिकॉर्ड करूंगा, बिल्कुल रिकॉर्ड करूंगा, मैंने 4,000 रुपए के बैड डेट्स रिकॉर्ड करे. नाउ माई टोटल बैड डेट्स आर 9,000. एक्चुअली में पैसा कितना डूब गया सर? 9,000 का डूब गया. अगर मेरे 9,000 डूब गए, अब मुझे एक बात बताओ सर, देखो देखो एक बात बताओ, क्या ये 9,000 रुपये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे? क्या ये 9,000 प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे? नहीं. क्यों? क्योंकि ये बैठा है बेटा, इसी दिन के इंतजार में बैठा है. हाँ, इसी दिन के इंतजार में बैठा है कि मैंने पहले से ही प्रॉफिट एंड लॉस में से 10,000 रुपये निकाल लिए. हाँ जी, बिल्कुल निकाल लिए हैं. क्या वो आज के दिन काम आएंगे? हाँ जी, आज के दिन काम आएंगे. आपने तो 10,000 रुपये का लॉस रिकॉर्ड कर रखा है, आपका लॉस एक्चुअली में 9,000 का हुआ, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ नहीं जाएगा. हमने पूरा का पूरा लॉस किससे कर दिया? पूरा का पूरा लॉस प्रोविजन से कर लिया. हाँ जी बिल्कुल. अब अगर आपने 9,000 का प्रोविजन यूज कर लिया, क्या आपके पास 1,000 रुपये का प्रोविजन का बैलेंस बच गया? बिल्कुल बच गया. मेरा नो वन नोट थक गया बेटा, एक सेकेंड रुको. अरे यार, हाईलाइटर नहीं चल रहा, एक सेकेंड. ये कहाँ खो गया मैं? खो गए हम कहाँ? कहाँ था मैं यार? हाँ, ये आ गए, आ गए, आ गए, वापस आ गए, वापस आ गए, वापस आ गए. विदान, नवंबर 2023 की वीडियोस यूट्यूब पे नहीं आएगी बेटा. हाँ जी, प्रोविजन का बैलेंस देखो फटाफट से. अरे फटाफट से देखो, 1,000 रुपये आपके पास प्रोविजन का बैलेंस है. यस सर, 1,000 रुपये आपके पास प्रोविजन का बैलेंस है. अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, कह रहे 10% प्रोविजन क्रिएट करना है. किसका? डेटर्स का. डेटर कौन से? बैड डेट माइनस करने के बाद. हाँ जी, 1,00,000 आपके डेटर्स थे, ठीक है, जिसमें से 4,000 आपने माइनस करे, तो बचे कितने? 96,000. अरे कितने बचे? 96,000. एवरीबडी ये सुनो, क्या 96 बचे? हाँ जी, आपको 10% प्रोविजन चाहिए. तो मेरे को प्रोविजन कितना चाहिए? मेरे को प्रोविजन 9,600 का चाहिए. मेरे को ऐसा लग रहा है, अंदर से फीलिंग आ रही है बहुत जोर से. क्या फीलिंग आ रही है सर? कि 9,600 पैसा डूब जाएगा. 9,600 के मेरे डेटर्स डूब जाएंगे, लेकिन क्या मैं 9,600 का प्रोविजन बनाऊंगा? नहीं, 1,000 का तो पहले ही बना हुआ है भाई. 1,000 है मेरे पास ऑलरेडी, जो मैंने पहले से रिकॉर्ड कर रखे हैं. मतलब सर, मैं बनाऊंगा कितने का? 8,600 का. कितने का? 8,600 का. एब्सोल्युटली यस, पीएनएल अकाउंट डेबिट. बिल्कुल, पीएनएल अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 8,600 से. एब्सोल्युटली करेक्ट. अब देखो भाई, जिन बच्चों को फॉर्मूले से करना है, आ जाओ. एवरीबडी, फॉर्मूला क्या है सर? फॉर्मूला बहुत आसान है. अगर आपको ये देखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन सी अमाउंट डेबिट होती है, सर कैसे निकालेंगे, तो देखो ध्यान से. सबसे पहले देखो कि भाई आपके टोटल बैड डेट्स कितने हैं, जो ट्रायल बैलेंस में दे रखे हैं, जो एडजस्टमेंट में दे रखे हैं. यहां पे टोटल बैलेंस कितना था? टोटल बैड डेट कितना? 9,000 रुपये, ठीक है. फिर देखो पहले से ही आपने कितना प्रोविजन बना रखा है, माइनस ओल्ड प्रोविजन. ऑब्वियस सी बात है सर, क्योंकि पहले से ही आपने क्या कर रखा है? पहले से ही आप बैठे हो प्रॉफिट एंड लॉस में से पैसे निकाल कर बैठे हो, ठीक है, तो आपने उसको माइनस किया. प्लस आपको नया प्रोविजन कितना चाहिए? जैसे हमारे केस में क्या था, टोटल बैड डेट 9,000 रुपये के थे, यस. ओल्ड प्रोविजन 10 का था, माइनस किया, और नया आपको 9,600 का चाहिए, विच मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना जाने वाला है सर? 8,600. एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट. अब आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट देखो. अब अगर हम बैलेंस शीट की बात करते हैं सर, बैलेंस शीट में 1,00,000 रुपए के आपके डेटर्स हैं. हाँ जी सर, 1,00,000 के डेटर्स हैं. अच्छा ठीक है, 1,00,000 के डेटर्स हैं, जिसमें से 4,000 के फर्दर हो गए. यस सर, 4,000 के फर्दर हो गए. तो मतलब आपके डेटर्स कितने हैं? 96,000. अच्छा, और आपको 9,600 का प्रोविजन चाहिए, माइनस 96, ये आपका आ गया. आई गेस खत्म हो गया क्या? अच्छा एक और है, एक और है. हाँ जी एक और है शायद. आ जाओ लास्ट है, फटाफट से देखो, फटाफट से एवरीबडी, फटाफट से लास्ट देखते हैं. कह रहा ट्रायल बैलेंस दे रखा है, वही सेम चीजें सर, वही सेम चीजें कि आपके डेटर्स 1,00,000 रुपए के हैं, ठीक है, बैड डेट्स 5,000 के, प्रोविजन आपका 10,000 का. ऑल राइट, कोई दिक्कत नहीं है. फर्क क्या आ गया सर यहाँ पे? अब देखो, आपके फर्दर बैड डेट्स हो गए 9,000 रुपए के. कितने के हो गए सर? 9,000 रुपए के. हाँ जी, अब मुझे एक बात बताओ सर, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, जो आपके नए बैड डेट्स हैं. हाँ, अब मुझे बताओ टोटल बैड डेट्स कितने हो गए? हाँ जी,
टोटल बैड डेट्स कितने हो गए? टोटल बैड डेट्स आर्यन फिफ्थ केस में किया तो है बेटा 9600 का प्रोविजन माइनस, ये तो रहा ठीक है। हाँ जी टोटल बैड डेट्स फटाफट से आ जाओ, टोटल बैड डेट्स कितने हो गए? सब बच्चों ने क्या बोला? सबने बोला कि शैतान लोग 14,000 रुपए के हैं, लेकिन आपने पहले से ही ओल्ड प्रोविजन कितना बना रखा है? 10,000 रुपए का। अरे ओल्ड प्रोविजन कितना है आपका? 10 का। क्या आपको 4,000 रुपए का लॉस और रिकॉर्ड करना पड़ेगा? अरे करना पड़ेगा क्या? हाँ सर। तो 10,000 आपने प्रोविजन से राइट ऑफ करे, 4,000 प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ करे। हाँ जी टू बैड डेट्स कितना? 14,000। बिल्कुल सही 14,000 ठीक है। अब कह रहा 10% मेरे को प्रोविजन चाहिए, तो देखो 1 लाख के डेटर्स हैं राइट, माइनस माइनस 9,000 के बैड डेट्स, मतलब 91,000 के आपके क्या है? 91,000 के आपके डेटर्स हैं। आपको चाहिए 10% का प्रोविजन, 9,100। हाँ क्या आपके पास कोई पुराना प्रोविजन बचा? नहीं बचा, पूरा खत्म हो गया। तो मुझे 9,100 का प्रोविजन बनाना पड़ेगा, बिल्कुल बनाना पड़ेगा। अरे बनाना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल बनाना पड़ेगा। यस सर यस बिल्कुल राइट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका क्या क्या जाएगा? 4,000 प्लस 9,100, 13,100। बिल्कुल सही। अगर हम बात करते हैं बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट में क्या आ जाएगा सर? सिंपल है, आपके डेटर्स 1 लाख के थे। हाँ जी आपके फर्दर बैड डेट्स कितने हुए जो आपने अभी एडजस्ट करे हैं? 9,000। तो आपके डेटर्स जो हैं 2,091,000। हाँ जी और आपको 10% का प्रोविजन चाहिए, 9,100। एब्सोल्युटली करेक्ट, आई गेस यहाँ पे फुल स्टॉप है। हाँ जी एवरीबडी। ओ भाई साहब हमने सारे केस कवर कर लिए। हाँ क्या बात है, मजा ही आ गया। एवरीबडी फटाफट से मुझे बताओ क्लियर है? हाँ एवरी वन क्लियर? अघरिया थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ बीच बीच में ऐसे मैसेज करते रहा करो बेटा। पार्टनरशिप अकाउंट कब से शुरू होगा, मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप अपलोड कर रखा है, जाके देखो। रिवीजन में पार्टनरशिप नहीं होगा आई गेस सो। अब आ जाओ फटाफट से देखो, यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, यहाँ तो आंसर लिखा हुआ है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो 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 ये देखो एवरीबडी क्वेश्चन। हाँ जी क्वेश्चंस करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर। ये क्वेश्चन है, देखो फटाफट से क्या बोलता है। ऑन 1 अप्रैल 2020 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एग्जिस्टेड 40,000। सर मतलब ये आपके पास ऑलरेडी प्रोविजन है ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल्स ऑन 31 मार्च 2020, मतलब सर वही क्लोजिंग हो गया, और 15 लाख रुपए। तो देखो देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, यहाँ पे आ गया आपका क्या? ट्रायल बैलेंस। ओके सर ट्रायल बैलेंस, हाँ ठीक है। यहाँ पे आ गया डेबिट, यहाँ पे आ गया क्रेडिट, ऑल राइट। इधर आ गया ट्रेड रिसीवेबल, कितने के हैं रे? 15 लाख रुपए के। प्रोविजन आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, कर रहा है कितना? 40,000। ऑल राइट कह रहा है इट इज रिक्वायर्ड टू राइट ऑफ द बैड डेट्स। अच्छा कह रहा है बैड डेट्स हो गए 1 लाख रुपए के। अच्छा 1 लाख के बैड डेट अभी आपको रिकॉर्ड करने हैं? अरे 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 कह रहा है 1 लाख के बैड डेट अभी रिकॉर्ड करना बाकी है। एंड क्रिएट अ प्रोविजन इक्वल टू 5% ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल। अब मेरे को एक बात बताओ एवरीबडी, सुनो ना सुनो ना सुनो ना सुन लो ना। बैड डेट अकाउंट डेबिट ठीक है सर, बैड डेट अकाउंट डेबिट 2 TR ट्रेड रिसीवेबल हाउ मच? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए यस सर यस। अब सर क्या ये पूरे के पूरे बैड डेट्स आपके प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे क्या? सर क्या मैं 1 लाख रुपए डाल दूं क्या? जल्दी बोलो जल्दी जल्दी बोलो, क्या ये 1 लाख रुपए प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दूं? ना बाबा ना। अरे नहीं बाबा नहीं, क्यों? क्योंकि आपके पास पहले से ही प्रोविजन है कितना? 40। तो पहले उसको यूज करो। प्रोविजन फॉर DD हाउ मच? 40। बिल्कुल। तो प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में 60,000 जाएगा। कितना जाएगा? 60,000। एब्सोल्युटली करेक्ट टू आपके बैड डेट्स BD ठीक है सर। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। अच्छा अब ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं? अरे ये भाई साहब बोलते हैं
कि 5% का प्रोविजन बनाओ। मुझे फटाफट से बताओ कितना प्रोविजन बनेगा, एवरीबडी जल्दी बताओ कितना प्रोविजन बनेगा 5% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, कितना? जल्दी कहो सबने बोला 70,000। कैसे सर कैसे? देखो आपके पास 15 लाख रुपए के डेटर्स हैं, लेकिन लेकिन उसमें से 1 लाख रुपए के तो आपने अभी माइनस करे हैं। हाँ सर, तो 14 लाख रुपीज के डेटर हैं, आपको 5% बनाना है विच इज 70,000। क्या आपके पास कोई पुराना है प्रोविजन? ना बाबा ना, नहीं है, नहीं तो बनाओ। पीएनएल अकाउंट डेबिट करेक्ट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 70,000। यस, उन्होंने आपसे पूछा कि बताओ बताओ प्रॉफिट एंड लॉस में कितना अमाउंट जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे? सुनो सुनो, 60,000 और 70,000, हाउ मच? 1,30,000। बस हलवा क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन। अब आ जाओ बेटा किस पे? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स पे। अरे मैं आपको सारी एडजस्टमेंट रिवाइज करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, 2 घंटे में सारी एडजस्टमेंट कर लेंगे। हाँ जी सर, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का मतलब क्या होता है कि जब आपको ऐसा फील हो रहा है सर, व्हेन यू आर फीलिंग समथिंग। अच्छा, फील हो रहा है क्या कि ये डेटर्स ना मेरे को जल्दी जल्दी क्विकली क्विकली पेमेंट कर देंगे। आपको अगर ऐसा फील हो रहा है कि क्विकली क्विकली पेमेंट कर देंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इनको डिस्काउंट देना पड़ेगा। हाँ जी, अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, सब आपके ख्यालों में है। अच्छा, कि डेटर्स मुझे पैसे जल्दी देंगे, मेरे को उनको डिस्काउंट देना पड़ेगा। अब अगर आपको लग रहा है कि आपका खर्चा होने वाला है, क्योंकि डिस्काउंट देना इज अ खर्चा, अगर डिस्काउंट दोगे तो पैसे कम मिलेंगे, खर्चा ही तो हो रहा है। हाँ, तो इसका मतलब क्या सर? इसका मतलब उसके लिए भी प्रोविजन। हाँ जी, अब एक चीज ध्यान रखनी है, इतनी उसी बात है, हमेशा किस पे बनता है? गुड डेटर्स पे। सर गुड डेटर्स का मतलब क्या है? अरे गुड डेटर्स का मतलब क्या है? गुड डेटर्स का मतलब है कि बैड डेट हटा दो। सर प्रोविजन फॉर बैड डेट भी हटा दो। क्यों? क्योंकि प्रोविजन फॉर बैड डेट भी तो शक वाले है ना सर, आपको उन पे शक हो रहा है कि ये पैसे नहीं देंगे, हटाओ रे हटाओ। हमको चाहिए अच्छे डेटर्स। अच्छे डेटर्स मतलब जो आपको पैसे देंगे और वो भी जल्दी देंगे। हाँ सर जल्दी देंगे, बिल्कुल सही बात है। हाँ या ना? तो बैड डेट माइनस प्रोविजन माइनस गुड डेटर्स। यस सर, गुड डेटर्स। अच्छा ठीक है, अब देखो एंट्री सब बच्चों को पता है। हाँ सर, ये तो एंट्री सब बच्चों को पता है। एक एग्जांपल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। देखो आपको ट्रायल बैलेंस में डेटर दे रखे हैं 1 लाख के। अच्छा, 1 लाख के डेटर्स दे रखे हैं। आपको प्रोविजन दे रखा है कितना? 10,000 का। ऑल राइट, 10,000 का प्रोविजन आपको ऑलरेडी गिवन है। आपके बैड डेट हो गए 8,000। ओ माई गॉड, 8,000 के बैड डेट्स हो गए। ठीक है सर, प्रोविजन आपका 10% ऑन डेटर्स और कह रहे डिस्काउंट। अब सुनो ध्यान से सर, पहली दो एडजस्टमेंट तो हम अभी 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 पढ़कर आए, अभी अभी। हाँ देखो 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 सर, देखो इधर देखो लोकेश, इधर देख। ठीक है, ये देखो 1 लाख के डेटर्स हैं। ये सर 1 लाख के डेटर्स हैं, 8,000 के और डूब गए, डूब गए। अच्छा, तो आपके डेटर्स कितने हो गए? 92,000। ये सर, अब आप क्या कह रहे हो सर? आप कह रहे हो कि प्रोविजन बनाओ 10%। ओ माई गॉड, तो 92,000 का 10% प्रोविजन बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो आपके जो गुड डेटर्स हैं, दैट इज 82,800। बोलो हाँ या ना? सर ये वो डेटर्स हैं जो अच्छे लोग हैं, जो आपको पैसे दे देंगे। हाँ सर, जो आपको पैसे पक्का दे देंगे, ऐसा आपको लग रहा है। अच्छा, कह रहा 10% डिस्काउंट ऑन डेटर्स, तो 82,800 में से 10% आपको लगता है कि डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो 8,280। यस सर, तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स आपका कितना बन जाएगा सर? 8,280। हाँ जी, बाकी प्रोविजन और डाउटफुल डेट आप पढ़कर आए हो, बिल्कुल पढ़कर आए हो। सर अब ये वाला क्वेश्चन हमें नहीं करना अभी, रुक जाओ रुक जाओ। अब आ जाओ सर 7th एडजस्टमेंट पे आओ फटाफट से। एबनॉर्मल लॉस, वेरी इजी वेरी इजी। एबनॉर्मल लॉस ऑफ इन्वेंट्री का क्या मतलब है? आग लग गई, चोरी हो गई सर, कुछ ऐसा हो गया जो आपके हाथ में नहीं है। अनकंट्रोलेबल नेचुरल डिजास्टर्स, चोरी होना, यस सर, आग लगना एबनॉर्मल लॉस है। आपको पता है एबनॉर्मल लॉस जो है वो कहाँ रिकॉर्ड होता है? प्रॉफिट एंड लॉस में। अब देखो लॉसेस जो है उसको रिकॉर्ड करने के लिए उसको डेबिट किया जाता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। यस सर, अब मुझे बताओ, क्योंकि आपकी इन्वेंट्री जल गई, जब आपने उस इन्वेंट्री को खरीदा था, एक सेकेंड होल्ड करोगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है। क्या हुआ? हाँ हाँ एवरीबडी एवरीबडी, सॉरी बेटा सॉरी,
एक चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी घर से फोन आए कभी इग्नोर नहीं करने का। ऑल राइट, बैक टू द क्लास, बैक टू द क्लास। हाँ जी सर, सिंपल सी बात है, क्या हो गया? सिंपल सी बात, आपका एबनॉर्मल लॉस हुआ है। तो जो गुड्स आपने खरीदे थे, आपने गुड्स खरीदे, यस सर, तो आपने परचेजेस को डेबिट किया था इस उम्मीद में कि आप उन गुड्स को यूज करोगे, आप उन गुड्स को बेचोगे, लेकिन ऐसा कुछ भी ना हो पाया। तो इसलिए हम क्या करते हैं सर, जब भी आपके गुड्स जो आप खरीदते हो वो कम हो जाते हैं फॉर रीजंस अदर देन सेल। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुन लो, जब भी आप गुड्स को खरीदते हो तो परचेज डेबिट होता है। हाँ, तो जब भी वो गुड्स आपके कम होते हैं फॉर रीजंस अदर देन सेल, सर वो हमेशा परचेजेस में क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। बिल्कुल सही, तो लॉस बाय फायर टू परचेजेस, एब्सोल्युटली यस, क्योंकि आपके परचेज का बैलेंस कम होना चाहिए क्योंकि आपने उन गुड्स को यूज नहीं करा। अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे सर, ये जो लॉस बाय फायर है वो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। हाँ सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, लेकिन किंतु परंतु हम तो अच्छे लोग हैं, हमने पहले से ही इंश्योरेंस करवा रखा है, हमने इसी दिन के लिए तो इंश्योरेंस करवाया था। अच्छा, इंश्योरेंस कंपनी आई और उन्होंने क्या बोला कि हम आपको 8,000 रुपये देंगे। अब मुझे एक बात बताओ सर, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम देने से क्या कर दिया है सर? हाँ कर दी है। अब मुझे बताओ, इंश्योरेंस क्लेम आपका क्या है सर? एसेट। अरे क्योंकि पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा, यस सर। अब क्या ये जो आपका लॉस 10,000 का था, क्या ये 10,000 का 10,000 आपके प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि 8,000 तो वापस मिल रहे हैं भाई। क्या 8,000 रुपये का लॉस आपको हुआ? टेक्निकली तो नहीं हुआ, 10,000 के लॉस हो गए, बात समझ में आती है। अरे लेकिन आपका लॉस कम हो गया ना, इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा दे रही है, तो आपने 8,000 से जो लॉस है उसको कम कर दिया, मतलब आपने क्रेडिट कर दिया। बिल्कुल सही। और जो बाकी 2,000 आपको इंश्योरेंस कंपनी से नहीं मिले वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, एब्सोल्युटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। बिल्कुल सही, यस सर, ये तो बहुत ही इजी एडजस्टमेंट है। अरे वेरी वेरी इजी है ना। अच्छा क्या बोल रहा है, अगर आप, हाँ जी, अगर आप कौन हो बेटा, अगर आप ज्यादा ही रिस्क लेने वाले इंसान हो कि जो होगा देखा जाएगा, सर इसका मतलब कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं लिया था, तो पूरा 10,000 रुपये का लॉस आपके प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। हाँ अनिकेत कह रहा है एक्ट ऑफ गॉड बोल के नहीं दिया, अरे दिया दिया दिया। इसके बाद ये चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। अगर आप अपने कस्टमर्स को गुड्स भेजते हो, उनको क्या बोलते हो कि दीदी आप आराम से देख लो, पहन के देख लो, पसंद आएगा तो रख लेना, मुझे बता देना, नहीं तो वापस कर देना। बिल्कुल सही सर, अगर 31 मार्च को, 31 मार्च को आपको अपने कस्टमर से अप्रूवल नहीं मिली है, तो जनरली क्या होता है, जब मैं गुड्स कस्टमर को भेजता हूं मैं अपनी सेल उसी टाइम रिकॉर्ड कर लेता हूं। जब भी मैं क्या करता हूं सर, जब भी मैं गुड्स कस्टमर को भेजता हूं उसी टाइम रिकॉर्ड करता हूं, लेकिन किंतु परंतु अगर 31 मार्च हो गई और अप्रूवल नहीं आई, तो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि सुनो अप्रूवल नहीं आई ना, सेल नहीं हुई ना, तो सबसे पहले आप सेल को रिवर्स करो। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं सर, जो भी आपने सेल रिकॉर्ड करी होगी उसको रिवर्स करेंगे। हाँ जी बिल्कुल रिवर्स करेंगे, 12,000 रुपये की सेल करी है। हाँ अब सुनो सुनो सुनो, सेल को रिवर्स कर दिया, वो गुड्स किसके पास है? गुड्स कस्टमर के पास है, लेकिन वो गुड्स की ओनरशिप आपकी है सर। वो दीदी ने, अब आपको, आपने दीदी को दिए थे, हाँ वो दीदी के नहीं है क्या? दीदी ने आपको पैसे दिए हैं क्या? नहीं। अप्रूवल दिया क्या? नहीं। वो गुड्स आपके हैं, मतलब उनको क्लोजिंग स्टॉक में रिकॉर्ड करना पड़ेगा सर, उनको अपना क्लोजिंग स्टॉक मानना पड़ेगा, एब्सोल्यूटली अपना क्लोजिंग स्टॉक मानना पड़ेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री सब बच्चों को पता है। एक चीज ध्यान रखना कि जब सेल को रिवर्स करूंगा सर, जब सेल को रिवर्स करूंगा तो वो हमेशा सेलिंग प्राइस पे होगा, लेकिन जब मैं अपनी इन्वेंट्री रिकॉर्ड करूंगा दैट विल ऑलवेज बी ऑन कॉस्ट। हाँ जी, ये आई थिंक हम बहुत सारे आरटीपीस वगैरह में प्रैक्टिस करके आए हैं, बिल्कुल करके आए हैं। ठीक है, यस सर, यस, ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाओ। उसके बाद देखो फटाफट से, देन आता है आपका गुड्स यूज्ड अदर देन सेल। जैसे मैंने आपको बोला कि आपके गुड्स कम हो रहे हैं फॉर रीजंस अदर देन सेल, जैसे आपने डोनेशन दी है, अगर आपने डोनेशन दी है एंट्री क्या पास करोगे, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। सर अपना चैरिटी का खर्चा रिकॉर्ड करोगे और परचेज का खर्चा कम करोगे, एब्सोल्युटली यस। ठीक है, हाँ जी, तानिया नहीं हो सर। अरे इधर आ फटाफट से इधर। ठीक है, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, यस सर, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। इसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, ड्रॉइंग्स ऑफ गुड्स की। अरे तुम बहुत खराब हो भाई साहब, रुको पानी पीने दो।
क्वेश्चन का नंबर आएगा या नहीं? मुकुल कह रहे नहीं आएगा बेटा, अगर आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है आप जा सकते हो। इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजा है बेटा, इंस्टाग्राम में बहुत कम चलाता हूँ, समय नहीं मिलता है, मैं जब देखूंगा तो कर दूंगा। हाँ जी आ जा फटाफट से। सर अब आते हैं किस पे, ड्राइंग्स ऑफ गुड्स पे। हाँ जी ड्राइंग्स ऑफ गुड्स पे। अब ओनर ने क्या किया सर, ओनर ने पर्सनल पर्पस के लिए गुड्स ले लिए, यस सर, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम ड्राइंग्स में डेबिट करते हैं। किस में डेबिट करते हैं, ड्राइंग्स में। ड्राइंग्स आपकी डेबिट हो गई। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, टू परचेजेस एब्सोल्युटली है। चैरिटी माइनस भी करेंगे, एडिशनल एंट्री भी होगी। आर्यन चैरिटी में से माइनस नहीं करेंगे बेटा, चैरिटी तो आपका खर्चा है, ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सर चैरिटी कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एब्सोल्युटली यस। और परचेजेस में से माइनस होगा, किस में से, परचेजेस में से। कह रहा व्हाट्सएप नंबर, बेटा मैं व्हाट्सएप भी यूज नहीं करता हूँ, मेरे पास फोन ही नहीं है बेटा, मैं लैपटॉप यूज करता हूँ, मेरे पास व्हाट्सएप भी नहीं है। ठीक है, मेरे को, मैं सिर्फ यूट्यूब पे कॉमेंट्स में ही बात करता हूँ, आप मुझे कॉमेंट कर सकते हो। अब आ जाओ थर्ड फटाफट से। देखो देखो थर्ड क्या बोलते हैं सर, फ्री सैंपल्स। फ्री सैंपल्स का मतलब क्या है, फ्री सैंपल्स का मतलब है कि आपने सर आपने ऐसी फ्री में बांट दिए। क्यों बांटे हैं, अपने बिजनेस की मार्केटिंग करने के लिए। अरे क्यों बांटे हैं सर, बिजनेस की मार्केटिंग करने के लिए, एडवर्टीजमेंट करने के लिए। तो अगेन आप अपना एडवर्टीजमेंट का खर्चा रिकॉर्ड करोगे, किसका खर्चा रिकॉर्ड करेंगे, एडवर्टीजमेंट का। हाँ जी बिल्कुल, टू परचेजेस, अगेन परचेज में से माइनस। अगर आप गुड्स यूज कर रहे हो फॉर रीजंस अदर देन सेल, तो सिंपल सी बात है वो परचेज में से तो माइनस होगा ही होगा, और जिस भी पर्पस के लिए आपने यूज किया है वो आप रिकॉर्ड करोगे। यहां पे आपने एडवर्टीजमेंट एक खर्चा रिकॉर्ड किया, मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद आता है आप अपने गुड्स को यूज कर रहे हो फॉर कंस्ट्रक्शन इन द बिल्डिंग। सर मैंने जब आपको जर्नल चैप्टर पढ़ाया था, रिवाइज करवाया था, तब ये सारी चीजें वहां पे भी डिस्कस की थी कि क्या हुआ। आप मान लो बेटा आपका बिजनेस किस चीज का है, सीमेंट्स बेचने का बिजनेस है। अरे सीमेंट मैं बेचता हूं, अब मैं अपनी ऑफिस बिल्डिंग बना रहा हूं। अच्छा अगर मैं ऑफिस बिल्डिंग में अपना ही सीमेंट यूज करूं, अपना सीमेंट यूज करूं। हाँ जी बिल्कुल, अब मुझे एक बात बताओ सर, मैंने सीमेंट यूज किया तो मेरी बिल्डिंग की वैल्यू तो बढ़ी ना, मतलब मैंने बिल्डिंग के लिए किया तो बिल्डिंग आपका जो एसेट है वो तो इंक्रीज होगा, बिल्कुल होगा सर। लेकिन 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 आपने परचेज में से माइनस किया, बिल्कुल हाँ या ना। क्या आपने परचेज में से माइनस करना है, बिल्कुल माइनस करना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर आप नॉर्मल रिपेयर मेंटेनेंस के लिए यूज कर रहे हो तो सेम चीज, परचेज में से माइनस करेंगे और रिपेयर मेंटेनेंस को रिकॉर्ड करेंगे। हाँ जी बिल्कुल एवरीबॉडी, यस सुनो। ठीक है सर, मीन्स चैरिटी ट्रेडिंग में से। अरे नहीं नेहा, चैरिटी प्रॉफिट एंड लॉस में शो होगा और परचेजेस में से उतना अमाउंट माइनस होगा। बात समझ में आ गई, ऑल राइट सर। उसके बाद आते हैं बेटा कमीशन टू मैनेजर। क्या करेंगे, कमीशन टू मैनेजर। कमीशन टू मैनेजर का मतलब क्या है, आप सबको पता है, आपने मैनेजर को कमीशन देनी है। अब कमीशन जो है वो नेट प्रॉफिट का परसेंटेज होता है, फटाफट से खत्म करेंगे। आ जाओ सर क्या होता है नेट प्रॉफिट का परसेंटेज। अब नेट प्रॉफिट का परसेंटेज या तो बिफोर चार्जिंग होता है, यस सर, या वो आफ्टर चार्जिंग होता है। बिफोर चार्जिंग में कुछ भी नहीं करना होता, जो भी आपका नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन आ रहा है सारे खर्चे माइनस करने हैं। कमीशन हमेशा लास्ट में निकलती है, आपने सारी इनकम को प्लस किया, सारे खर्चे को माइनस किया, एंड में आपका जो भी नेट प्रॉफिट आता है उसको क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। इसका आपको 10% निकालना है, दैट्स इट। लेकिन लेकिन इसकी एंट्री क्या होती है, सिंपल है, मैनेजर कमीशन आपका एक्सपेंस है। हाँ क्योंकि आपने अभी तक पे नहीं करा है, तो जो हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री है एग्जैक्ट वही एंट्री होती है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मैनेजर कमीशन टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। मतलब एक्सपेंस कहां जाएगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। अच्छा, और क्योंकि आपने पे नहीं करा तो लाइबिलिटी के डेबिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे जाएगा, मतलब बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पे जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर आपको आफ्टर चार्जिंग गिवन होता है, सब बच्चों को ऑलरेडी पता है आफ्टर चार्जिंग का मतलब क्या है सर, कि आफ्टर चार्जिंग में आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना होता है। अब मैं लॉजिक में नहीं जा रहा हूं क्योंकि चीजें रिवाइज करनी है सर। आफ्टर चार्जिंग में होता है रेट अपॉन में 100+ रेट, जो भी आपका प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट बिफोर कमीशन। हाँ जी यही दो चीजें होती हैं। इसके बाद आओ फटाफट से इनकम टैक्स पे। इनकम टैक्स का मतलब क्या होता है सर, इनकम टैक्स। अब अगर मैं बात करता हूं सोल प्रोप्राइटरशिप की, किसकी बात करते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप की, तो अगर आप सोल प्रोप्राइटर का इनकम टैक्स पे कर रहे हो, दैट इज कंसीडर्ड एज हिज पर्सनल एक्सपेंस, हिज और हर पर्सनल एक्सपेंस। तो
तो इसलिए वो ड्रॉइंग्स में डेबिट होता है। तो जब आपको इनकम टैक्स इवन होगा तो आप उसमें मान के चलोगे किसमें, ड्रॉइंग्स में, क्योंकि आपके सिलेबस में फाइनल अकाउंट सोल प्रोप्राइटर का ही है। तो अगर आपको ट्रायल बैलेंस में इनकम टैक्स या कुछ भी दे रखा है तो आपको क्या मानना है कि सर वो ड्रॉइंग्स है। हाँ जी सर, वो आपका ड्रॉइंग्स है, बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली बिल्कुल सही बात है। वो ऑफिस का खर्चा नहीं है, नहीं सर वो ऑफिस का कोई खर्चा नहीं है। तो अगर ट्रायल बैलेंस में इनकम टैक्स आ रहा है वो एक्चुअली में बिजनेस का खर्चा नहीं है, याद रखना। वो कहाँ जाएगा, वो ड्रॉइंग्स में जाएगा। अच्छा ठीक है एवरीबडी, क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए, क्वेश्चन कह रहा हूँ एडजस्टमेंट खत्म हो गई है। फटाफट से बताओ क्या क्वेश्चन पे चले। हाँ जी एवरीबडी, वंश बोल रहा है विल यू डू आईसीए स्टडी मटेरियल। वंश अगर आपको आईसीए स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस करने हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब पे, आप जाके चेक कर सकते हो। सर क्वेश्चंस करते हैं, आ जाओ क्वेश्चंस करते हैं, जल्दी आओ। ट्रायल बैलेंस में ग्रॉस प्रॉफिट किस साइड डालना है? ममता आपको एक छोटी सी एडवाइस है कि प्लीज बेसिक से शुरू करो, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल बहुत मिस्टेक है। बेसिक से जर्नल लेजर से पढ़ना चालू करो, वीडियोस मैंने डाल रखी है, आई होप आप जून अटेम्प्ट के नहीं हो, है ना। एक बार बेसिक से चालू करो, जर्नल लेजर में क्या क्या चीजें आती है। आपने बोला ट्रायल बैलेंस ग्रॉस प्रॉफिट में, नहीं सॉरी, ट्रायल बैलेंस में ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ आता है, ये कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा गलत क्वेश्चन हो गया, इसलिए आपको रिवाइज करना है। आ जाओ सर, एक क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, बिल्कुल गिवन है, फटाफट से देखो। अरे देखो देखो देखो, जल्दी देखो, मैं आपको तीन चार क्वेश्चन कराऊंगा और एक बहुत बड़ा वाला क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल करेंगे। मिस्टर कोतरीवाल इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग मैगजीन्स, ठीक है। सेवरल ऑफ हिज कस्टमर्स पे मनी इन एडवांस फॉर सब्सक्राइबिंग हिज मैगजीन्स। इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द ईयर 31st March 2020 हैज बीन गिवन बिलो। ऑल राइट सर, 1st April को आपको बोला है ही हैड अ बैलेंस ऑफ 2 lakh rupees एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स। इसका मतलब क्या है, क्या ये एडवांस का ओपनिंग बैलेंस है? हाँ सर, ये एडवांस का ओपनिंग बैलेंस है। कस्टमर्स ने आपको एडवांस दे रखा है, बेटा एडवांस क्या होता है, लाइबिलिटी होती है, ठीक है। ऑफ विच 150 इज रिलेटेड टू द 1920, क्या मतलब है इसका, सिंपल सी बात बोल रहा है कि पिछले साल एवरीबडी, पिछले साल आपको क्या मिला था सर, 2 lakh rupees का क्या मिला था, एडवांस मिला था। 2 lakh में से 1,50,000 करंट ईयर का है, मतलब वो करंट ईयर की इनकम है, ठीक है। वाइल रिमेनिंग उससे भी अगले साल का है, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर 1920 आपने कुछ कैश की सेल्स करी है, सबसे पहले आपको टोटल इनकम निकालनी है। फटाफट से मुझे बताओ, फिर मैं आपको समझाऊंगा। अरे जल्दी बोलो, जल्दी करंट ईयर की इनकम बताओ, सारे बच्चे फटाफट से बताओ करंट ईयर की इनकम कितनी आएगी, कितनी आएगी सर, कितनी आएगी करंट ईयर की इनकम। बहुत आसान है निकालना, वेरी वेरी सिंपल, यस सर वेरी वेरी सिंपल। हाँ अनिकेत बेटा छोड़ दे उसको, इनकम बता इनकम। लोकेश ने बोला 6,50,000, मयंक 6,50,000, सर कैसे, अरे सिंपल है, एक तो आपने जो कैश सेल्स करी है ये आपकी करंट ईयर की है, हाँ कुछ भी गिवन नहीं है तो वही मानेंगे सर। एक तो ये करंट ईयर की हो गई, कितनी, 5 lakh rupees, बिल्कुल। उसके बाद सर आपको पिछले साल 2 lakh rupees का एडवांस मिला था, यस सर पिछले साल 2 lakh का एडवांस मिला था, जिसमें से 1.5 lakh इस करंट ईयर के हैं। तो इसका मतलब क्या वो इस साल की इनकम है, हाँ इस साल की इनकम है, मतलब आपके इस साल की इनकम कितनी है, 6,50,000, वेरी सिंपल वेरी सिंपल। सेकेंड वाले पे थोड़ा ध्यान देंगे, सेकेंड वाला बोलता है टोटल मनी रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, आपको निकालना है कि आपको पूरे साल में पैसा कितना मिला अगर एडवांस का क्लोजिंग बैलेंस इज 1,70,000। सोच समझ के आंसर दो। हो सोच समझ के आंसर दो, आया किसी का? और अगर नहीं आया तो ध्यान से मेरी बात सुनो। देखो सर ज्यादा अगर प्रॉब्लम हो तो हमेशा अकाउंट प्रिपेयर कर लेना चाहिए, हमेशा। हाँ जी हमेशा। मुझे एक बात बताओ, क्या आपको एडवांस का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है। सारे बच्चे मुझे बताएंगे एडवांस का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आएगा या डेबिट साइड पे। एडवांस का ओपनिंग बैलेंस विच वॉज 2 lakh rupees, क्या आपके 2 lakh rupees का वो बैलेंस था? यस सर।
क्रेडिट साइड पे आएगा या डेबिट साइड पे? सर सिंपल सी बात है, लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी क्रेडिट साइड पे आती है। सब बच्चों ने बिल्कुल सही बोला। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हाउ मच? 2 लाख रुपीज, करेक्ट। आपको क्लोजिंग बैलेंस भी दे रखा है, टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना? 1 लाख, नहीं सॉरी, हाँ 1,70,000, बिल्कुल सही। हाँ जी, अब मेरे को एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, अगर वो आपको ये बोल रहा है कि 2 लाख में से 1,50,000 करंट ईयर के हैं, तो मुझे कोई बच्चा ये बताएगा कि 1,50,000 के लिए आप एंट्री क्या पास करोगे? जल्दी बताओ सर, मैं इस 1,50,000 के लिए क्या एंट्री पास करूंगा? अगर आपको बोला है 2 लाख में से 1,50,000 करेंट ईयर का है, तो क्या एंट्री पास होगी? एनीबडी, समबडी, नोबडी? देखो ध्यान से, एक तो क्या होगा सर, एक तो आप अपनी इनकम रिकॉर्ड करोगे, और अगर मैं अपनी इनकम रिकॉर्ड करूंगा तो सर क्या इनकम को मैं क्रेडिट करूंगा? हाँ, मेरे 1,50,000 जो है वो 1,50,000 मेरे करंट ईयर की इनकम है। आप सेल्स रिकॉर्ड करना चाहो, कुछ भी हो, कुछ भी हो सर, क्रेडिट में क्या आएगा? आपका इनकम। हाँ, आपका जो एडवांस था अब वो एडवांस नहीं रहा, मतलब आपकी लाइबिलिटी कम हो गई। क्या आपकी लाइबिलिटी कम हो गई? हाँ जी, तो एडवांस इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम, बहुत ही बढ़िया। एवरीबडी यस नो? बहुत ही सही। प्राची, हर्षदा, नंदना, कुमकुम, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। अनिकेत ठीक है, कशेश ठीक है, एवरीबडी यस नो? तो इसका मतलब एडवांस इनकम टू डेबिट टू इनकम अकाउंट करेक्ट कितनी? 1,50,000, 1,50,000, एब्सोल्युटली यस। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, सर 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 बैलेंसिंग फिगर कितनी आएगी? हाँ, बैलेंसिंग फिगर कितनी आएगी? ये आया 3,20,000। इसका मतलब आपको करेंट ईयर में जो एडवांस रिसीव हुआ दैट इज 1,20,000, 1,20,000। हाँ, अगर बिना अकाउंट के करना होता तो बिना अकाउंट के भी हो जाता। क्यों? देखो सिंपल है, आपके पास ईयर के स्टार्टिंग में 2 लाख रुपए का एडवांस है। अच्छा, अब 2 लाख रुपए का एडवांस जो है उसमें से 1,50,000 तो करंट ईयर से रिलेटेड है, हाँ, तो वो एडवांस में से माइनस हो जाएगा। सही बात है, तो इसका मतलब जो एडवांस बचा है दैट इज 50,000। अब ये कह रहा है एडवांस का क्लोजिंग बैलेंस 1,70,000 है, तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, अगर 50,000 रुपये एडवांस बच रहा है और ईयर के एंड में 1,70,000 हो गया, तो ऑब्वियस है ना सर कि 1,20,000 रुपये का एडवांस आपको और मिला होगा, 1,20,000 का एडवांस आपको और मिला होगा। हाँ, तो देखो, एक तो हो गया 1,20,000, हाँ, और आपको 5 लाख रुपए की कैश मिली सेल्स करने से, तो आप, उन्होंने पूछा था टोटल पैसा बताओ, टोटल मनी रिसीव्ड, तो टोटल मनी रिसीव्ड इज 6,20,000, 5 लाख रुपए कैश सेल्स और 1,20,000 एडवांस जो आपको मिला। एवरीबडी गॉट इट? अरे ये चार चार नंबर में आ जाते हैं भाई कभी कभी, कुछ पता नहीं है। एवरीबडी गॉट इट? यस सर। नाउ सर, अब वो क्वेश्चन करते हैं जो आपके लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में था। अरे देखो, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, यस सर, देखो 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 ये देखो, इसको हम कॉपी करें क्या? ये कॉपी नहीं होगा, कोई बात। चलो एवरीबॉडी देखो फटाफट से, गॉट इट गॉट इट, क्या बोला है क्वेश्चन में? अनिकेत डायरेक्टली भी कर सकते हैं दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। द बैलेंस शीट ऑफ थापर ऑन 1 अप्रैल 2019 वॉज एज फॉलोज। ठीक है, आपको 1 अप्रैल की बैलेंस शीट दे रखी है, ऑल राइट। कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर 1920 हिज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिवील्ड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 18,30,000। ठीक है, दिस वॉज आफ्टर अलाउइंग फॉर द फॉलोइंग। याद आया सर, जो लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा है उसमें 10 मार्क का क्वेश्चन सेम था, हाँ या ना? यस और नो? फटाफट से बोलो यस सर। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, आपको बोला ड्यूरिंग 1920 द प्रॉफिट एंड लॉस शोड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 18,30,000, दिस वॉज आफ्टर अलाउइंग फॉर द फॉलोइंग, मतलब रेंट रिसीव फ्रॉम प्रॉपर्टी लेट आउट। कह रहा है 3 लाख रुपए का आपको रेंट रिसीव हुआ, वेरी गुड। डेप्रिसिएशन 10%, अच्छा, फर्नीचर 5%, बिल्कुल सही बात है, हाँ या ना सर, बिल्कुल सही बात है। अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5%, ऑल राइट। ये सब चीजें आप कर चुके हो, ये सब आपने कर लिया है। हाँ जी सर, ये सब कर लिया है हमने, इन सब चीजों से हम ऊपर उठ चुके हैं, अच्छा ठीक है। बट वाइल प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
ही हैड फॉरगॉटन टू प्रोवाइड फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. अच्छा तो इन्होंने क्या बोला, ये बोल रहा है कि देखो रे देखो, वाइल प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये चीजें भूल गए हम. अरे ये कैसे हटेगा, ये बार बार आ जाता है यार. हाँ जी कह रहा है ही हैड फॉरगॉटन फॉर प्रोवाइड फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. अच्छा प्रीपेड इंश्योरेंस, तो क्या मतलब है कि ये दो एडजस्टमेंट करना भूल गए भूल गए भूल गए. सर इसका मतलब, इसका मतलब हमें क्या करना होगा, रिवाइज प्रॉफिट एंड लॉस निकालना पड़ेगा. बिल्कुल सही, क्योंकि जो प्रॉफिट आपको दे रखा है वो सही नहीं है ना, उसमें कुछ गलतियां हो गई है, गलतियां हो गई है. यस सर यस, आपको दे रखा है सर, बिल्कुल दे रखा है. क्या दे रखा है, 18,30,000 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट आएगा क्रेडिट साइड पे 18,30,000. अब मुझे फटाफट से छेती छेती बताओ बेटा, छेती छेती कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,80,000 के हैं, डेबिट साइड पे लिखूं या क्रेडिट साइड पे, कहो ना कहो, जल्दी बोलो. सर सिंपल है, आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एडजस्टमेंट करनी है. सर उसकी एडजस्टमेंट क्या होती है, आपका खर्चा बढ़ता है, लायबिलिटी बढ़ती है. खर्चा बढ़ता है, खर्चा टू एक्सपेंस, हाँ खर्चा बढ़ेगा. कितने से बढ़ेगा सर, 1,80,000 से, 1,80,000 से. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सब बच्चों ने बोला डेबिट, बहुत बढ़िया. फिर बोला है प्रीपेड इंश्योरेंस टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000. अब मुझे बताओ सर, प्रीपेड इंश्योरेंस मतलब आपको अपने इंश्योरेंस का खर्चा कम करना है और अपना एसेट रिकॉर्ड करना है. खर्चा कम करना है और एसेट रिकॉर्ड करना है, यस सर. अगर खर्चा कम करना है तो वो तो क्रेडिट साइड पे आएगा. हाँ बिल्कुल सही बात है. तो बाय इंश्योरेंस कितना, 20,000 रुपीज. एवरीबडी यस सुनो, फटाफट से मुझे बताओ आपका रिवाइज प्रॉफिट एंड लॉस कितना आ जाएगा. रिवाइज प्रॉफिट एंड लॉस, यस, टू नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, 1,670,000. यानी कि इतने बोला है, मैं मान लेता हूँ 1,670,000. गौरी ने बोला ठीक है, सब बच्चों ने बोल दिया, खुशी लोकेश ठीक है, एवरीबडी यस सुनो ठीक है. अब देखो आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, हिज करंट एसेट एंड लाइबिलिटी 31 मार्च 2020, मतलब क्लोजिंग में ठीक है, और आपको बैलेंस शीट बनानी है. सर कितना इजी क्वेश्चन है बेटा, यही इजी क्वेश्चन 10 नंबर का पिछली बार आया था. कुछ नहीं पता, क्वेश्चंस कभी भी रिपीट हो जाते हैं ठीक है. अगर बैलेंस शीट बनानी होगी तो क्या हम आसानी से बना लेंगे, अरे ये लो कुछ भी तो नहीं है, कुछ भी नहीं है. सही कह रहे हो सर, सही कह रहे हो, कहाँ गई. अच्छा बैलेंस शीट, अरे एक सेकेंड रुको, ये वाला पॉइंट भी रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद बनाते हैं बैलेंस शीट. सर थियोरिटिकल, थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है, थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है. हाँ कि सर बैलेंस शीट को हम दो सीक्वेंस में अरेंज कर सकते हैं. कौन सी सीक्वेंस में, दो सीक्वेंस में, एक होता है लिक्विडिटी ऑर्डर, हाँ, और एक होता है परमानेंस ऑर्डर. लिक्विडिटी ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि आप अपने एसेट्स को किस तरीके से अरेंज कर रहे हो कि जो सबसे जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा, जो सबसे जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, जो सबसे ज्यादा लिक्विड है उसको पहले दिखा रहे हो. जैसे सबसे पहले कैश को दिखाया, फिर आपने यहाँ पे दिखाया जो सबसे जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, और एंड में आपने क्या दिखाया, एंड में दिखाया आपने फर्नीचर, प्लांट मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग. ये आपका लिक्विडिटी ऑर्डर है. सिमिलरली आपने लाइबिलिटी में दिखाया कि जो आप सबसे जल्दी पे करोगे, सबसे जल्दी पे करोगे वो आपका लाइबिलिटी साइड पे आएगा. हाँ जी बिल्कुल राइट. उसके बाद आता है परमानेंस, मतलब जो बिजनेस में लंबे टाइम तक रहने वाला है, परमानेंटली मतलब लॉन्ग टर्म रहने वाला है, उसको पहले दिखाओ. इसलिए आपने नॉन करंट एसेट पहले दिखाए, हाँ जी, और करंट एसेट बाद में दिखाए. सिमिलरली लायबिलिटी साइड पे आपने सबसे पहले कैपिटल वगैरह दिखाया, जो ओनर का पैसा है, और बाद में दिखाया जिनकी पेमेंट आप जल्दी करते हो. थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ लेना, ट्रू फॉल्स में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल भाई, कौन मना कर रहा है सर, कोई नहीं. अब देखो फटाफट से, बैलेंस शीट बनानी है, ये सर बैलेंस शीट बनानी है. अब देखो 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 आपको बैलेंस शीट के लिए क्या क्या गिवन है. बैलेंस शीट के लिए सबसे पहले बोला है करंट एसेट एंड लायबिलिटी, आपको बोला इन्वेंट्री 14,50,000. अरे जो मेरे को गिवन है वो हमने यहाँ पे लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया. इन्वेंट्री कितना, 1450, ठीक है. फिर आपको दे रखा है क्या, ट्रेड रिसीवेबल 20,00,000. अब सुनो सर, ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है, ये बात मेरे को समझ में आती है, नो प्रॉब्लम. लेकिन यहाँ पे गिवन है कि आपने 5% का प्रोविजन भी बनाया है, तो उसी के अकॉर्डिंग बनेगा, बिल्कुल.
कि ट्रेड रिसीवेबल आपका 20 लाख का है, इस पे आपने 5% का प्रोविजन बनाया होगा, तो वो प्रोविजन हम इसमें से लेस करके दिखाएंगे 5%। हाँ जी सर बिल्कुल, बहुत ईजी है यार, ये बहुत ही आसान है। कैश एट बैंक आपको दे रखा है 10,35,000, तो आपने कैश एट बैंक लिखा 10,35,000। ऑल राइट सर, देन ट्रेड पेबल आपको दे रखा है 11,40,000, वो आपने लिखा 11,40,000। अब इसके अलावा जो जो चीजें बैलेंस शीट में आपको गिवन है, ओपनिंग बैलेंस शीट में, जैसे प्लांट एंड मशीनरी कितनी सर 30 लाख, क्या मैं 30 लाख की लिखूंगा? ना रे बाबा ना, क्यों? क्योंकि आपको बताया था कि प्लांट एंड मशीनरी पे 10% का डेप्रिसिएशन है, तो 30 लाख में आपने 10% का डेप्रिसिएशन लगाया होएगा, तो 27 लाख रुपीज प्लांट एंड मशीनरी में आएगा, बिल्कुल आएगा। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं फर्नीचर एंड फिक्सचर्स की, इस पे भी आपका 5% का डेप्रिसिएशन है, हाँ, तो 15,000 माइनस होएगा, बिल्कुल होएगा, तो 2,85,000 आएगा। अच्छा ठीक है, इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल हो चुका है, कैश एट बैंक हो चुका है, इन्वेंट्री हो चुका है, और कुछ नहीं आएगा? आएगा सर, क्या आएगा? प्रीपेड एक्सपेंसेस। अरे भूलना जाना, क्यों? क्योंकि बेटा हमने प्रीपेड इंश्योरेंस, अरे रुको, हमने प्रीपेड इंश्योरेंस अभी रिकॉर्ड किया था, ये देखो 20,000 का, तो क्या प्रीपेड इंश्योरेंस आएगा? हाँ आएगा, देखो देखो देखो, ये रहा ये रहा ये रहा, बिल्कुल आएगा सर, बिल्कुल आएगा। हाँ या ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब इसके बाद देखो, इसके बाद देखो सर, आउटस्टैंडिंग भी थी सैलरी एक्सपेंसेस, वो भी आएगी। हाँ सर आएगी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी आएगी, बिल्कुल। अब सुन लो सुन लो सुन लो, अरे आपको सर एडजस्टमेंट में दो चीजें दे रखी है, आपको ड्रॉइंग्स भी दे रखी है। हाँ आपने नेट प्रॉफिट भी निकाला था कितना, 16,70,000 का, तो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 50 लाख। ठीक है, तो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस 50 लाख है, लेकिन इसमें से आपको ड्रॉइंग्स माइनस करनी है, बिल्कुल माइनस करनी है। कितनी थी? 6 लाख रुपए की। और जो आपका नेट प्रॉफिट है रिवाइज वाला, उसको ऐड करना है। हाँ अरे बहुत सिंपल था बेटा, कुछ भी नहीं है इसमें। एवरीबडी गॉट इट? क्वेश्चन आएगा, आप आराम से कर लोगे, जल्दी बताओ। अरे जल्दी बताओ जल्दी, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात तो नहीं है। किसी को किसी पॉइंट में डाउट है? अब एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे। अनिकेत, अच्छा देखो अनिकेत ने क्वेश्चन पूछा है, अरे सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अनिकेत ने क्वेश्चन पूछा है सर, एक्सपेंसेस पेबल क्यों नहीं आएगा? बेटा एक्सपेंसेस पेबल ना आने का रीजन क्या है? देखो देखो देखो, क्योंकि आपको यहां पे बताया His current asset and liabilities were, अगर वो आपको नीचे क्वेश्चन में क्या दे रहा है, His current asset and liabilities were, इसका मतलब क्या है कि भाई ये आपके करंट एसेट एंड लाइबिलिटी आपके पास थे कब सर? 31 मार्च 2020 को, बिल्कुल सही। हाँ या ना? इन्वेंट्री ट्रेड पेबल, तो सर ये आपका ओपनिंग बैलेंस है, क्या इसका मतलब ये है कि ये एक्सपेंसेस आपने पे कर दिए होंगे? हाँ इसका मतलब है कि आपने पे कर दिए होंगे, तभी तो उन्होंने यहां पे नहीं लिखा है। हाँ जी नहीं लिखा, आपको जो यहां पे दे रखा बिल्कुल वही है। नेहा कह रही है बैलेंस शीट दिखाओ, बेटा बैलेंस शीट आप बना लो ना, इसमें क्या दिक्कत है, ये रही बैलेंस शीट, ये लो फटाफट से देख लो। ठीक है, अब आ जाओ सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपके बुक का ही क्वेश्चन है बेटा, आपके बुक का ही क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन है, अरे 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 सर ये क्वेश्चन देखो ये, ओहो क्या हम ये क्वेश्चन पूरा करने वाले हैं? मैं नहीं करवाऊंगा, मैं आपको सिर्फ फटाफट से एडजस्टमेंट्स डिस्कस करेंगे, बिल्कुल डिस्कस करेंगे। आपने ये क्वेश्चन पहले कर रखा है, आपकी स्टडी मैट का क्वेश्चन है, जल्दी से आ जाओ। आपको यहाँ पे ट्रायल बैलेंस दे रखा है, हम सारी एडजस्टमेंट्स यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, बिल्कुल डिस्कस करने वाले हैं। अनिकेत मुझे क्वेश्चन का नंबर याद नहीं होता बेटा, जो जो मुझे इंपॉर्टेंट दिखता है वो मैं डाल देता हूँ। ठीक है, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, अच्छा ठीक है, ऑलराइट कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले बिल्डिंग यूज फॉर बिजनेस फॉर 5%, मुझे एक बात बताओ, बिल्डिंग आपकी 5% है सर, इसके दो ट्रीटमेंट क्या होंगे? पहला ट्रीटमेंट जल्दी बोलो जल्दी सर, सबसे पहला एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, अरे किस में जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। दूसरा आपके बैलेंस शीट में जाएगा, कैसे? बिल्डिंग में से माइनस होगा सर, कैसे कैसे? देखो देखो, बिल्डिंग कहाँ है, बिल्डिंग कहाँ है, कहाँ गया उसे ढूंढो, गिरी। हाँ जी सर, बिल्डिंग 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 कितनी? 6 लाख रुपए की सर, 6 लाख रुपए की। हाँ जी बिल्कुल, अब क्या होगा, 6 लाख का 5% कितना होता है, 30,000, तो एक तो ये 30,000 कहाँ जाएगा? अरे कहाँ जाएगा सर, कहाँ जाएगा? सबसे पहले एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, हाँ,
और बैलेंस शीट में आपके बिल्डिंग कितनी शो होगी? बैलेंस शीट में आपकी शो होगी 5,70,000। वेरी इजी, अरे हलवा। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या बोलता है। अब नेक्स्ट जरा ध्यान से देखना, कह रहा है आपको फर्नीचर एंड फिक्सचर्स पे 10% लगाना है, उसके साथ में ही आपको एक एडजस्टमेंट दे रखी है, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स की एडजस्टमेंट है। क्या बोलता है? वन स्टील टेबल, आपने एक टेबल परचेस करी है, मतलब एक फर्नीचर परचेस करा ड्यूरिंग द ईयर 14,000 रुपये, ठीक है, सोल्ड फॉर द सेम प्राइस। वाह भाई वाह सर, 14,000 की टेबल आपने परचेस करी, उसी प्राइस पे बेच दी, बट सेल प्रोसीड्स वर रॉन्गली क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। सर ये तो रेक्टिफिकेशन हो गया। अरे भाई साहब, रेक्टिफिकेशन प्लस फाइनल अकाउंट्स। हाँ जी बिल्कुल, एडजस्टमेंट। अब देखो सबसे पहले आपको यहां पे रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी है, यहां पे करके नहीं दिखानी है, लेकिन आप क्या एंट्री पास करोगे कि देखो आपने इसको सेल्स में करा क्रेडिट, तो पहले तो हम सेल्स को करेंगे डेबिट, बोलो हाँ या ना। अरे ये सेल्स में काहे गया? नहीं सर, नहीं बिल्कुल नहीं। टू टू टू, आपको इसको फर्नीचर में करना चाहिए था क्रेडिट, एब्सोल्युटली यस। सेल्स अकाउंट आपने डेबिट किया लेकिन फर्नीचर क्रेडिट होगा, बिल्कुल। अब इसका मतलब क्या है सर? इसकी दो एडजस्टमेंट्स क्या होगी तो देखो फटाफट से आओ। सबसे पहले जो आपको सेल्स गिवन है, ये रही, ये रही 23 लाख की जो आपको सेल्स गिवन है, मैं सेल्स में से माइनस करूंगा कितने, 14,000, क्योंकि ये मेरी सेल्स नहीं है ना, नहीं। और दूसरी एडजस्टमेंट क्या होगी सर? कि जो फर्नीचर है, इस फर्नीचर में से भी 14,000 माइनस होगा, हाँ, क्योंकि फर्नीचर आपने 14,000 का बेचा, बिल्कुल बेचा। ये मेरी दो एडजस्टमेंट है। हाँ जी सर, ये मेरी दो एडजस्टमेंट है। ऑल राइट, अब आपको पता है कि आपने फर्नीचर और फिक्सचर्स पे 10% का डेप्रिसिएशन लगाना है। अगेन क्या होगा? अब आपका फर्नीचर फिक्सचर्स 2 लाख रुपए का है, 2,14,000 का नहीं है, ठीक है, तो 2 लाख रुपए का 10% इक्विवेलेंट टू 20,000, 20,000 का आपको क्या लगाना है सर? डेप्रिसिएशन लगाना है। तो ये डेप्रिसिएशन आपका कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बिल्कुल जाएगा। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, फटाफट से बताओ, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स बैलेंस शीट में किस वैल्यू पे आएंगे? ओए जल्दी बोलो जल्दी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स किस वैल्यू पे आएंगे, जल्दी बोलो। बचा हुआ सेम अमाउंट भी तो दिखाना पड़ेगा, मतलब किस वैल्यू पे आएंगे? 1,80,000। फैंटास्टिक फैंटास्टिक फैंटास्टिक, कि भाई मेरा 2,14,000 रुपए का फर्नीचर है, ठीक है, राइट, 14,000 का आपने बेच दिया, तो इसका मतलब फर्नीचर 2 लाख का था। अब 2 लाख में से आपको 20,000 डेप्रिशिएट करने हैं, तो फर्नीचर आपके बैलेंस शीट में 1,80,000 पे आएंगे। फैंटास्टिक जॉब, बहुत ही बढ़िया। अब आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट बोलता है ऑफिस इक्विपमेंट को 15% से डेप्रिशिएट करो, लेकिन उसके साथ में एडजस्टमेंट है। क्या? परचेज ऑफ अ टाइपराइटर आपने परचेज किया ड्यूरिंग द ईयर 40,000, आपने गलती से परचेज में डेबिट कर दिया। अरे भाई क्या बोल रहा है? कह रहा है टाइप राइटर आपने परचेज किया लेकिन परचेज में डेबिट कर दिया। भाई वो परचेज में डेबिट नहीं होना था सर, नहीं होना था, टाइप राइटर में, मतलब ऑफिस इक्विपमेंट में डेबिट होना था। वो आपका ऑफिस इक्विपमेंट है, आपने परचेज में डेबिट किया, तो परचेज कम होगा, बिल्कुल सर परचेज आपका कम होगा। मतलब क्या है सर? 40,000 हमारा ऑफिस इक्विपमेंट और परचेज कहाँ है? दिख रहा है, दिख रहा है, ये रहा। एक तो परचेज में से मुझे माइनस करना पड़ेगा, 40,000 मुझे परचेज में से माइनस करने पड़ेंगे, एब्सोल्युटली माइनस करने पड़ेंगे। और ऑफिस इक्विपमेंट, ये ऑफिस इक्विपमेंट मुझे क्या करना पड़ेगा सर? 40,000 से ऐड करना पड़ेगा, बिल्कुल ऐड करना पड़ेगा। ये हमारी दो एडजस्टमेंट हो गई। अच्छा, और आपको ऑफिस इक्विपमेंट 15% से डेप्रिशिएट करना है। अब देखो ध्यान से, ऑफिस इक्विपमेंट आपका कितने का हो गया? 2 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का। तो इसका मतलब 2 लाख रुपए का अगर आपका ऑफिस इक्विपमेंट है, 15% विल बी 30,000, ये सर। इसका मतलब 30,000 से आपको क्या करना पड़ेगा? डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। आर्यन ने बिल्कुल सही बोला कि बैलेंस शीट में ये कितने का दिखेगा? 1,60,000 + 40, 2 लाख रुपीज, और 2 लाख में से 30,000 का डेप्रिसिएशन माइनस होगा, ये आपका बैलेंस शीट में 170 का दिखेगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, फैंटास्टिक जॉब। आ जाओ फटाफट से। और लास्ट बोलता है मोटर कार 20% से डेप्रिशिएट करो। येल्लो भाई मोटर कार कहाँ है? मोटर कार ये रही, मोटर कार 2 लाख रुपए की है, 20% मतलब 40,000,
ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे और बैलेंस शीट में माइनस हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल, पहली एडजस्टमेंट हो चुकी है। यस सर। अब आ जाओ बेटा सेकंड एडजस्टमेंट पे। सेकंड एडजस्टमेंट आपको क्या बोल रहा है, वो वैल्यू ऑफ स्टॉक एट द क्लोज ऑफ द ईयर 4,40,000। अरे 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 सर, मतलब क्लोजिंग स्टॉक। हाँ जी, इसकी दो एडजस्टमेंट क्या होती है, वेरी सिंपल। एक तो आपकी क्या होती है सर, ट्रेडिंग में क्रेडिट होता है। हाँ या ना, ट्रेडिंग में क्रेडिट होता है। हाँ बिल्कुल राइट, और बैलेंस शीट में जाता है, बिल्कुल सही। अरे प्रतीक, काय को पैनिक करेगा, फाइनल अकाउंट हलवा चैप्टर है, कैसी बातें कर रहा तू। सिंपल है, यस सर, बहुत ही सिंपल। अब आ जाओ थर्ड पे। सर थर्ड क्या बोलता है, थर्ड बोलता है 2 months रेंट फॉर गोडाउन इज आउटस्टैंडिंग। कह रहे हैं 2 महीने का रेंट अभी आउटस्टैंडिंग है, 2 महीने का रेंट आउटस्टैंडिंग है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, गोडाउन नंदना, बेसिकली यही है कि अगर कोई डेट गिवन नहीं है तो हम पूरे पे लगा देंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है। अगर आपको नहीं लगाना है तो आप फिर ये मान के चलोगे कि एंड में परचेज किया है, उसके लिए आपको डालनी पड़ेगी एजम्पशन डालनी पड़ेगी, ठीक है। आ जाओ फटाफट से गोडाउन रेंट, गोडाउन कहाँ है। अरे भाई मेरे को दिख क्यों नहीं रहा, ये रहा ये रहा, ये रहा। रेंट फॉर गोडाउन कितना, 55,000। एवरीबडी 55,000। अब मुझे एक बात बताओ, आपको बोला है 2 महीने का रेंट आउटस्टैंडिंग है, क्या है 2 महीने का रेंट आउटस्टैंडिंग। मुझे एक बात बताओ, क्या इसका मतलब ये है कि ये 10 महीने का रेंट है। एवरीबडी, ऑब्वियसली बात है यार, अगर 2 महीने का आपको एडजस्टमेंट में गिवन है तो मैं तो यही मान के चलूंगा कि ये कितने का है, 10 महीने का। 55,000 आपका 10 महीने का है और मेरे को 2 महीने का निकालना है, तो क्या ये 11,000 रुपये आएगा। बिल्कुल आएगा, ये 11,000 रुपये आएगा। तो 11,000 रुपये का रेंट है जो क्या है सर, आउटस्टैंडिंग है। 11,000 का रेंट है जो क्या है, आउटस्टैंडिंग। अब आउटस्टैंडिंग रेंट का तो आपको पता ही है क्या होता है सर, क्या होता है, आपके रेंट में ऐड होगा। बिल्कुल यस नो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपका रेंट कितना आ जाएगा, 66,000, और फिर आप इसको लाइबिलिटी में दिखाओगे आउटस्टैंडिंग रेंट। एवरीबडी गॉट इट, ये सुनो। ठीक है सर, ठीक है, आ जाओ फटाफट से। अब आ जाओ बेटा फोर्थ पे। फोर्थ क्या बोलता है, फोर्थ बोलता है इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ इज पेबल एट 12% पर एनम, और लोन आपने 1 मई को परचेज, 1 मई को लिया था। अब मुझे एक बात बताओ सर, लोन, अरे लोन, ये तो हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। अगर लोन की बात करते हैं, कहाँ है मेरा लोन, ये रहा लोन, कितना है, 3,00,000 रुपये। अब देखो कह रहे 1 मई को लिया था, 3 लाख पे 12% लगना चाहिए 11 महीने के लिए। कहो ना कहो एवरीबडी, जल्दी बोलो। हाँ जी जल्दी बोलो जल्दी, 3,00,000 रुपये। हाँ जी 3 लाख, 12% 11 महीने के लिए, 1 मई को लिया है, यस सर। तो आपके इंटरेस्ट का एक्सपेंस 33,000 है, क्या ये बात सही है सर। आपके इंटरेस्ट जो है वो एक्चुअली में 33,000 का है, लेकिन किंतु परंतु आपके ट्रायल बैलेंस में 27 आ रहा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि आउटस्टैंडिंग रेंट आपका आ रहा है कितने का, 6,000 का। क्या 6,000 रुपये का आउटस्टैंडिंग रेंट आ रहा है, यस सर। तो क्या करेंगे, अगेन एक्सपेंस में प्लस करेंगे और बैलेंस शीट में दिखाएंगे लाइबिलिटी साइड पे, बिल्कुल सही। तो आपका एक्सपेंस कितना हो जाएगा, 33,000 का। ये आई गेस सब बच्चों को पता है सर, इजी तो है बेटा, मुश्किल तो कुछ है ही नहीं। बैड डेट प्रॉफिट एंड लॉस में क्यों नहीं आया, बैड डेट किया कहाँ हमने अभी। आ जाओ फिफ्थ देखो फटाफट से एवरीबडी, फिफ्थ देखो। हाँ इंटरेस्ट बेटा, इंटरेस्ट। हाँ जी फिफ्थ देखो, फिफ्थ क्या बोलता है, अब ये इंपॉर्टेंट है सर, फिफ्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अरे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिफ्थ बोलता है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, आपको 5% मेंटेन करना है। जब भी कोई एडजस्टमेंट होगी तो ट्रायल बैलेंस को बहुत प्यार से देखो, बैड डेट तो गिवन नहीं है, पुराना प्रोविजन तो नहीं है, सब कुछ तो नहीं है। हाँ जी देखो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये देखो सबसे पहले मुझे दिख गया बैड डेट्स कितने के, 20,000 रुपीज के, ठीक है। फिर मेरे को प्रोविजन भी दिख गया कितने का, 30,000 रुपीज का। हाँ सर 30,000 रुपीज का। अब मेरे को डेटर भी दिख गया। अच्छा अब सुनो मेरी बात ध्यान से, आपको बस क्या बोला है कि आपको 5% मेंटेन करना है। अब ध्यान से मेरी बात सुनते हैं,
आपके पास ऑलरेडी 30,000 का प्रोविजन है, यस सर, और आपका बैड डेट हो रखा है 20,000 का. हाँ, जो बैड डेट आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है, ये बैड डेट ऑलरेडी एडजस्टेड है, यस सर. बस अब होगा क्या, वो 20,000 का बैड डेट आपके पीएनएल में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या बैड डेट्स, टू बैड डेट्स, कितना, 20,000. क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? वो 20,000 के बैड डेट्स आपके प्रोविजन से ही राइट ऑफ हो जाएंगे. हाँ जी सर, राइट ऑफ हो जाएंगे. अब आपके जो डेटर्स हैं, वो डेटर्स कितने हैं सर? वो डेटर तो 8,60,000 ही है, ठीक है. तो इसका मतलब 8,60,000 का कितना, 5%. क्या आपको जो न्यू प्रोविजन है वो 43,000 का चाहिए? बिल्कुल चाहिए. न्यू प्रोविजन 43,000 का चाहिए, लेकिन किंतु परंतु आपके पास एग्जिस्टिंग प्रोविजन बाकी है क्या? हाँ सर, बाकी है. कितने का बाकी है? 10,000 का. 10,000 का बाकी है सर. कैसे बेटा? आपके पास 30,000 का प्रोविजन था, 30,000 का प्रोविजन था. हाँ, आपने कितना यूज किया अभी? 20,000, तो 10,000 बाकी है. यस, इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में कितना प्रोविजन जाएगा? 33. ओ यस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना? 33. हाँ या ना? बिल्कुल सही. हाँ जी सर, बिल्कुल सही. बात ही खत्म. यस सर, बात ही खत्म. अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूंगा, तो बैलेंस शीट में डेटर कितने हैं? 8,60,000. इसमें से बस क्या करना है, प्रोविजन माइनस करके दिखाना है. कितना? 43,000. 10,000 पहले का, 33 मैंने बनाया. एब्सोल्युटली करेक्ट. अरे मुझे फटाफट से बोलो हाँ या ना, बस खत्म होने वाला. जल्दी बोलो यस और नो एवरीबडी. क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब आ जाओ बेटा लास्ट पे. लास्ट पे देखो बेटा, लास्ट पे. लास्ट कहता है इंश्योरेंस प्रीमियम. ओ हो, इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड्स 40,000 पेड टूवर्ड्स प्रोप्राइटर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. सर मतलब कि जो आपका यहाँ इंश्योरेंस प्रीमियम आपको दिख रहा होगा, क्या आपको दिख रहा है? अरे दिख गया, दिख गया, दिख गया. हाँ, 55 का कह रहा है. ये 55 में से 40,000 तो प्रोप्राइटर की लाइफ का है, मतलब पर्सनल खर्चा. तो सर इसमें से 40,000 माइनस करेंगे. हाँ, और ड्रॉइंग्स में ऐड करेंगे. सर ये रही ड्रॉइंग्स, ये रही. हाँ ये हुई ना बात. सर ड्रॉइंग्स में ऐड करेंगे, एब्सोल्युटली यस. और अपने बिजनेस के खर्चे में से माइनस करेंगे. इतनी बात हमको समझ में आती है. उसके बाद क्या बोल रहा है, बैलेंस ऑफ द इंश्योरेंस. बैलेंस कितना बच गया? 15,000. बैलेंस ऑफ द इंश्योरेंस चार्जेस कवर द पीरियड ऑफ 1 अप्रैल 19 से 30 मार्च, मतलब 15 महीने. ओ माई गॉड, कह रहे जो बाकी के 15,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम है ना, वो एक्चुअली में 15 महीने का है. 15 महीने में से 3 महीने तो अगले साल के हैं. सर 3 महीने क्या है? क्या 3 महीने अगले साल के नहीं है? हाँ जी सर, अगले साल के हैं. बिल्कुल सही. तो इसका मतलब आपको प्रीपेड निकालना है. आसान है, ये 15,000 15 महीने का है. इसमें से 3 महीने, मतलब 3,000 क्या है सर? प्रीपेड. बिल्कुल सही. प्रीपेड का ट्रीटमेंट आप सबको पता है कि मैं क्या करूंगा, मैं 15,000 में से 3,000 माइनस करूंगा. यस, और अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 12,000 रुपये दिखाऊंगा. यस सर. और प्रीपेड इंश्योरेंस मेरा एसेट होता है, इसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे. हाँ जी सर, इसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे. खत्म हो गया सर ये क्वेश्चन. कम से कम 15 नंबर का तो आएगा, अगर आएगा तो. खत्म हो गया. हाँ, अब इसके बाद मुझे क्या करना होता है? इसके बाद मेरे को कुछ नहीं करना. मैंने एडजस्टमेंट्स कर लिए हैं, एक एक करके देखूंगा. जैसे ये बैलेंस शीट में जाना है, ये बैलेंस शीट में जाना है, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में जाना है. बस अब आपको क्या करना है, एक एक करके आइटम्स को प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में डालना है. 15,000 वाला बता दो. योगेश, टोटल इंश्योरेंस 55 का था, 40 का ओनर का खुद का है, तो बचा कितना? 15,000 का. अब वो 15,000 का जो खर्चा है, 15,000 का खर्चा 15 महीने का है, 1 अप्रैल से 30 जून, 15 महीने होते हैं. आपको तो अपना खर्चा 12 महीने का रिकॉर्ड करना होता है, तो इसका मतलब 3 महीने का प्रीपेड है. तो हमने 3 महीने का प्रीपेड निकाला. एवरीबडी, अब तो देख के लिखना है और कुछ नहीं करना कि सर जो आपके नॉमिनल अकाउंट है उसको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में, बाकी बैलेंस शीट में. मुझे फटाफट से बता दो, क्या पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया? भाई मेरी, मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको सारी एडजस्टमेंट्स करवा दूं, क्वेश्चंस थोड़े बहुत मैं आपको करवा दूं. मेरे हिसाब से तो मैंने आपको रिवाइज करवा दिया. एवरीबडी, हो कल क्या करेंगे सर? कल करेंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट.
क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट करेंगे. एब्सोल्युटली यस सर, कल हम करने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. फाइनल अकाउंट हमारा खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. यस सर, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को ध्यान से समझेंगे. कुछ नहीं पता कब आ जाए. हाँ सर, कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता उसका कब आ जाएगा. ओके गाइस, कल मिलते हैं आपसे. काफी थक गया हूं मैं आप थोड़ी देर लेटूंगा. मिलेंगे कल आपसे. अच्छा वो कर देना, कॉमेंट शेयर जो भी होता है, ठीक है. बाय एवरीवन, बाय 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 बाय, गुड नाइट. कल मिलते हैं आपसे. मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में मिलेंगे. हाँ जी, चलो.